गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई सीरीज को। थैंक यू वेरी मच करण मिठारी, जतिन बगदी, क्वीन ऑफ लाइफ जिसने जो है चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की, और साथ में स्पोक जिसने जो है मिथिकल मेंबरशिप ज्वाइन की। थैंक यू वेरी मच। मैं बिलीव नहीं कर सकता था कोई इसे लेगा भी, लेकिन थैंक यू वेरी मच। और डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमारा मेन कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो की लड़की को देख रहे हैं जैसे तुम लोग देख रहे हो। यहाँ पर जो एमसी पानी पी रहा होता है वो पानी भी इसके गले में अटक जाता है। फिर एमसी बता रहा होता है की मैं इतना ज्यादा अनलकी हूँ की पानी भी जो है अटक जाता है मेरे गले के अंदर। वहाँ पर एमसी की मदर की भी कॉल आ जाती है और वो फिर बता रही होती कि तुम अभी तक जो है गए नहीं हो टेंपल पे ऑफर करने के लिए, तुम्हें जो है चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा जो है बेड लग रहता है, क्या पता तुम ठीक हो जाए। एमसी बता रहे होते कि ठीक है, और एमसी इसी के साथ निकल के आ जाता है जाने के लिए। और यहाँ पर हमें एमसी के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है जेंग फेंग है। और एमसी फिर बता रहे होते अगर मैं जो हूँ अपनी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करूँ तो मेरी पूरी लाइफ जो है एक तरह से मैंने अनलकी चीजें बहुत दफा देखी हुई है, और मैं जो हूँ एक तरह से खुद को डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ कितना ज्यादा अनलकी हूँ। और जिस साल ये बॉर्न हो चुका था और उस टाइम जो है नर्स केयरलेस थी, तो मैं जो हूँ ऑलमोस्ट पानी के अंदर मरने वाला था। और जब ये 5 साल का था ये जो है चढ़ गया था ट्री पर और ऑलमोस्ट जो है नीचे गिर चुका था और मरने वाला था लेकिन बच चुका था। और जब ये 8 साल का था ये जो है बाइसाइकिल चला रहा था स्कूल पर और ये अचानक से उसके अंदर जो है गिर चुका था जिसकी वजह से इसकी जो है रिब्स टूट चुकी थी। और फिर बता रहे होते लेकिन मेरा लक जो है बहुत सारी बैड है और कभी कभी सोचता हूँ कि भाई मैंने जो है कुछ गलत तो नहीं कर दिया आपने पिछले लाइफ के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ कि मैं पैसे दे दूँ श्राइन के अंदर, एटलीस्ट क्या पता अच्छा लक मुझे मिल जाए। और इसके साथ ये जो है यहाँ पर चढ़ने लग जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका होता है, फिर जो है चढ़ रहा होता है लेकिन देखते हैं इसको जो है वॉलेट ही नहीं होता इसके जेब के अंदर। और उसे बता रहे थे कि ये जो है गायब हो चुका है मेरा वॉलेट, और बहुत ज्यादा गुस्से में बता रहे थे कि किसकी हिम्मत हुई मेरे जो है वॉलेट चुराने की, और वो भी जो है यहाँ पर टेम्पल के सामने चुरा लिया है। इन्हें जो है डर नहीं लगता कि इन्हें जो है लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ जाएगी। और ये फिर बता देता है यहाँ पर ग्रेट पा के भाई तुम्हें जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हें अवॉइड करना है डिजास्टर को तो तुम ये स्टिक ले सकते हो इसे यूज करने के लिए। और बता रहे थे कि अच्छा आज मेरा लकी दिन है थैंक यू, लेकिन अचानक से लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है। हम से फिर बता रहे थे कि क्या चल रहा है, मुझे जो है अभी ये स्टिक्स मिल चुके जलाने के लिए। और फिर बता रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लाइटनिंग स्ट्राइक भी पड़ जाए मुझे जो है ये लगाना ही पड़ेगा, यहाँ पर लगा लेता है। और फिर बता रहे थे कि मैं जो काफी सालों से अनलकी हूँ तो प्लीज मुझे जो है एक अच्छी सी लाइफ जीनी है लकी वाली। और एमसी को जो है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक लग जाती है यहाँ पर। और कुछ देर बाद जब एमसी उठ जाता है इसे अजीब से जो है मार्क दिख रहे होते हैं। एमसी देखते फिर बता रहे थे कि तुम जो हो 64 हो, और एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें जो है मेरे एज के बारे में कैसे पता है, क्या मैं इतना ज्यादा जो हूँ ओल्ड हो चुका हूँ, ये ट्रू नहीं है। मेरी जो है लोग तारीफ करते थे कि मैं कितना ज्यादा यंग हूँ। एमसी फिर बता रहे थे कि क्या सच में तुम जो हो 64 के हो, और ये फिर बता रहे थे कि हाँ टाइम जो है ऐसे गुजर जाता है मैं इतना ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। और फिर बता रहे थे कि रुको जरा मुझे जो है वो सर्कल दिख रहा था जिसमें 64 लिखा था, इसका मतलब ये कि मुझे इसके एज के बारे में पता चल रहा है। मेरे आंखों जो है वो नॉवल की कैरेक्टर जैसी हो गई है स्पेशल एबिलिटी की तरह, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ। और फिर एमसी जो है इन चीजों को देखता है, अभी स्टेचूज है कि क्या है मुझे नहीं पता। और फिर एमसी बता रहे थे कि मास्टर तुम्हें पता है कि ये ओल्ड इंसिस्टर जो है कितने ज्यादा पुराने हैं। वो फिर बता रहे थे अच्छा जहाँ तक मुझे लगता है तो ये जो है 370 साल पुराने हैं। एमसी बता रहे थे कि थैंक यू क्योंकि इसे दिख रहे होते हैं। और फिर जो है हंस रहे होते फिर बता रहे होते कि मैं जो फाइनली अपना लक जो है चेंज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ जो है चेंज कर सकता हूँ। और फिर वो मास्टर बता रहे होते कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आजकल जो है इनके दिमाग में चल के आ रहा होता है, पागल हो चुके हैं क्या। और इसी के साथ एमसी एक मार्केट के अंदर आ जाता है जैसे कि भाई आई कैन सी ये सक्सेस रेट के अंदर होता है, और यहाँ पर चीजें देख रहा होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है लोग सेल कर रहे होते हैं। और एमसी जो सब चीजें देख रहे होते हैं फिर एक चीज देख लेता है और इसके पास आ जाता है। एमसी को बता रहे थे कि ब्रदर तुम्हें क्या बाय करना है, मेरे स्टॉल के अंदर जो है काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। एमसी एक चीज को बताते कि मुझे ये बाय करना है, क्या तुम जो इसे सेल करोगे, जो कि दिखाया जाता है कि 640 साल पुराना है। और ये फिर बता रहे होते अच्छा तुम्हें ये चाहिए, ये जो है बहुत ज्यादा पुरानी चीज है और ये जो है बहुत ज्यादा पैसों की भी है। एमसी इसे जो है चेक करता है, एमसी फिर बता रहा था कि भाई नहीं चाहिए, ये जो है वैल्यूएबल नहीं है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है ये। एमसी फिर बता रहे थे कि देखो मैंने ये उठा लिया ऐसे ही इसके ऊपर लिखने के लिए, तो भाई बताओ मुझे कि क्या प्राइस तुम मुझे दोगे, तुम्हें लॉस नहीं होगा मुझे भी लॉस नहीं होगा, और वैसे भी ये जो है कोई नहीं खरीदने वाला है। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है मैं जो हूँ तुम्हें 300 का दे दूंगा। एमसी बता रहे थे कि 300 बहुत ज्यादा है, और बता रहे थे कि 50 दे रहा हूँ अगर लेने तो ले ले वरना मैं जा रहा हूँ। ये फिर बता रहे थे कि कैसा रहेगा 100 पे कर लेते हैं, तो मुझे ज्यादा बार्गिंग नहीं करना चाहिए। एमसी बता रहे थे कि नहीं मैं जा रहा हूँ, फिर बता रहे थे कि ठीक है ब्रदर तुम ले सकते हो 50 पर। और इसके साथ एमसी इससे ले लेता है, यहाँ पर बंदा भी आ जाता है कि वो जो है जा चुका है और मैंने देखा है कि तुम्हें ये चीज फ्री में मिली थी तो तुमने कितने पैसे कमा लिए। और ये फिर बता रहे थे जैसे तुमने बोला मैंने जो है कोई भी पैसे इससे लूज नहीं किए बल्कि मैंने कमाए हैं। और एमसी जो है दूसरी जगह पे आ जाता है मार्केट के अंदर जो कि चीजें लेता है पुरानी। और यहाँ पर एमसी देख रहे होते एक लड़की इसके सामने दिख जाती है, फिर बता रहे थे कि मुझे कुछ बेचना है, और ये भी एमसी को देखती है। और जब इसे देख लेता है भाई साहब इसके हाथ से ये जैसे ही गिरता है एमसी पकड़ लेता है इसे, फिर बता रहे थे कि ये क्लोज था। फिर ये एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें कुछ सेल करना है, एमसी बता रहे थे कहा, और ये जो है इसका अंकल होता है, फिर बता रहे थे कि अंकल मैं जो किसी को लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर इसे कुछ सेल करना है। और ये भी एमसी को बता रहा था कि तुम क्या लेकर आ चुके हो। एमसी फिर बता रहे थे कि ये देख लो भाई मैं तुम
इंस्टाग्राम पे छोड़ देता हूँ, तुम देखो। और ये लड़की भी देख रही थी, फिर बता रही थी कि इसके अंदर कोई भी चीज स्पेशल नहीं है, और एफसी बता रहा था कि कुछ भी बोले ये लड़की क्यूट है। और ये एफसी को बुला रहा था, एफसी बस सोच रहा था इस लड़की के बारे में, वो वापस से बुलाते एफसी बता रहे थे कि हाँ। और ये एफसी को बता रहा था कि सॉरी लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, क्यों ना तुम कहीं और चले जाओ इसे बेचने के लिए। एफसी बता रहे थे कि चलो ठीक है। एफसी फिर सोच रहा था कि अगर इसकी बात सुनो अंकल की तो भाई क्या ये चीज फेक हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी राइट आंख जो है यूज करनी पड़ेगी, और शायद से एफसी की राइट आंख के अंदर ही से पावर है। एफसी फिर इसे बता रहे थे कि क्या तुम्हारे पास कोई टूल वगैरह है, नाइफ वगैरह स्टोर के अंदर मुझे यूज करनी है। और ये लोग आ जाते हैं, एफसी यहाँ पर लग जाता है इसको काटने में। और ये लड़की किसी स्टोन के बारे में बताती है कि शायद से ये उससे बना है। और ये फिर बता रही थी स्टोन के बारे में कि जहाँ तक हिस्ट्री है इसके बारे में, तो ये स्टोन जो है एक नेशनल स्टोन होता था किंग डायनेस्टी का, अगर बोला जाए शॉर्ट में, तो ये जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था गोल्ड से भी ज्यादा। और ये फिर बता रही होती कि यहाँ तक है मेरे ग्रैंडपा को जो है ये चीज कलेक्ट करनी थी ये स्टोन कब से, तो क्यों ना ये जो है ले लेते हैं। और इसका अंकल बता देते हैं कि ठीक है हम 800,000 येन का ले रहेंगे। एफसी को भी बता रही होती कि कैसा रहेगा मैं तुम्हें 800,000 दे दूं। एफसी बता रही होती कि 800,000, और फिर बता रहे थे कि मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं जो हूँ इस छोटी सी चीज को 800,000 में बेच दूंगा, मैंने इसे जो है सिर्फ 50,000 का खरीदा था। और ये फिर बता रहे थे कि अच्छा ये काफी ज्यादा कम है, कैसा रहेगा 1,000,000। एफसी शॉक हो जाता कि क्या। फिर एफसी बता रहे थे कि ठीक है, और इसे जो 1,000,000 का चेक मिल जाता है। फिर बता रहे थे कि किसने ही सोचा होगा कि मैं जो हूँ एक दिन में ही मिलियनेयर बन सकता हूँ। और ये एफसी को भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देती है, बता रही होती कुछ अच्छा मिलता तो हमें बता देना। एफसी भी सोच रहा था कि ये पहली दफा है कि किसी ब्यूटीफुल लड़की ने जो है मुझे ये अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। और यहाँ तक ये लड़की भी एफसी के साथ आ चुकी होती है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, और ये आ जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर एक शॉप वाले इनकी तारीफ कर रहा होता है, उन्हें लगता है कि ये जो शायद से कपल है। और एफसी बता रहा था कि नहीं नहीं तुम रॉन्ग हो बॉस, हम जो है कपल नहीं है। ये फिर बता रहे थे अच्छा लेकिन तुम दोनों जो है अच्छे लगे हो एक साथ। और ये फिर एफसी को बता रहे थे कि मुझे लगता है कि तुम जो इंटरेस्टेड हो जेड के अंदर, तो क्यों ना तुम जो हो यहाँ पर कुछ पीसेस बाय कर लो जो कि मेरे पास अच्छा जो है बेच आया है कल, तुम देख सकते हो। और ये एफसी को दिखा देता है कि ये चीजें देख लो कैसे हैं। और एफसी जो है इसके लिए एक चीज ले लेता है, फिर बता रहे थे कि थैंक यू तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की थी चीजें बताने में, तो तुम ये रख सकती हो गिफ्ट की तरह। और ये भी बता रहे थे कि थैंक यू भाई, क्या चल रहा है भाई, शुरुआत में ही प्यार चल रहा है। और फिर बता रहे थे कि चलो मुझे अचानक से याद आ चुके मुझे कुछ करना है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अचानक से एफसी को कोई चीज दिख जाती है, और लेकिन उसको देखने के साथ ही एफसी की आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। फिर बता रहे थे कि तुम ठीक हो, लेकिन एफसी यहीं पर ही बेहोश हो जाता है और यहीं पर इसके ऊपर गिर जाता है। ये भी बता रहे थे कि क्या तुम ठीक हो भाई सब, एफसी जो है मजे ले रहे हैं। एफसी जो है यहाँ पर उठ जाता है, ये फिर बता रहे थे कि तुम अच्छा फील कर रहे हो। और ये फिर बता रहे थे कि तुम्हें जो है मूव नहीं करना चाहिए, जब तुम जो है मुझ पे गिर चुके थे तो मेरे कपड़े जो है फट चुके हैं पीछे से, समझ रहे हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो जब तुम जो उठ जाओगे। एफसी बता रहे थे कि ठीक है। एफसी भी सोच रहा था कि मुझे जो है हॉस्पिटल जाने पड़ेगा, कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है, मैं जो अपने आंखें वहाँ पर चेक करा दूंगा। और ये फिर बता रहे थे कि तुम चाहते हो कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ चली जाऊँ। एफसी बता रहे थे कि नहीं नहीं मैं जो हूँ अकेले ही चला जाऊंगा। यहाँ पर डॉक्टर एफसी की आंखें चेक कर लेती है, और फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो है ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें जो है मैं मेडिसिन दे दूंगी उससे तुम सही हो जाओगे। एफसी बता रहे थे कि ठीक है। एफसी सोच रहे थे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि मेरे आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसने चेक कर लिया, ये बता रही थी कोई भी सीन नहीं है। और जब एफसी भी यहाँ पर जा रहा होता है, इससे जो है कोई लड़की मिल जाती है, और फिर एफसी को जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लड़की जो एफसी से मिली थी, वो बता रही थी कि तुम्हें जो है ज्वाइन करना है क्लब को, और इसका नाम जो है ली होता है, और एफसी भी उस टाइम जो है इसके प्यार में गिर चुका था, और तब भी ये जो है इसके साथ फ्रेंड था। और ये फिर किसी को देख रही होती, फिर बता रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें जो है चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये इसकी मदर होती, फिर बता रही होती कि तुम्हें जो है मॉम की बात सुननी चाहिए, तुम जो घर चली जाओ ठीक है। और ये फिर बता रही थी कि मॉम तुम्हें जो है चिंता नहीं करनी चाहिए पैसों के बारे में, मैं जो हूँ इसका करूंगी कुछ ना कुछ। और ये फिर बता रही थी कि अपने मदर की बात सुनो, तुम्हें जो ये पैसे सेव करने चाहिए, क्योंकि मुझ पे जो पूरे $6,00,000 लगने वाले हैं, और वैसे भी हमने ऑलरेडी जो है अपने फैमिली के पैसे लगा दिए, हमें और जो है लगाने नहीं चाहिए। और एफसी जो इनकी बातें सुन रहा होता है, फिर सोच रहा होता है हाँ 6,00,000 जो है वो छोटे अमाउंट नहीं है, और मुझे पता नहीं था कि ये जो इतने बड़े प्रॉब्लम के अंदर आ चुकी होगी ग्रेजुएशन के बाद। अचानक से एफसी जो किसी लड़की को देख लेता है, और फिर सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर जो चुप जाता है एक तरीके से। एफसी फिर बता रहा था कि मुझे जो है इस लड़की का नाम ही नहीं लेना चाहिए, जब मैं जो हूँ बहुत ज्यादा इनोसेंट था, मैंने अपने सारे पैसे इस पे लगा दिए थे ताकि मैं जो इसे पटा सकूं, लेकिन फिर भी 3 महीने बाद जो है उसने अपने ट्रू कलर मुझे दिखा दिया और मुझे जो है छोड़ दिया एक अमीर लड़के के लिए। इसने जो एफसी के साथ ब्रेकअप कर लिया था, और एफसी ने वैसे सुन भी लिया था कि ये जो किसी लड़की के साथ ही, और ये जो है फिर एफसी के बारे में बातें फैला देती है कि एफसी ने मुझे जो है छोड़ दिया है, और तुम्हें जो है उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, वो जो है अच्छा लड़का नहीं है। ये फिर बता रहे थे कि अच्छा, और उसी के बाद इसने जो बहुत ज्यादा रूमर एफसी के बारे में फैला दिए थे, और फिर जो है लड़कियों को एफसी एक तरह से प्ले बॉय लगता था। एफसी भी बता रहे थे कि मुझे भी देखना है कि ये जो है क्या करना चाहती है। और ये जो है उसी लड़की को जिसपे एफसी का क्रश होता है उसको बातें सुना रही होती है कि तुम्हें जो है अपने आसपास देखना चाहिए, तुमने कितने ज्यादा पैसे लगा दिए अपने मदर के लिए। एफसी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, फिर बता रहे थे कि ये लड़की अभी भी बहुत ज्यादा ही मीन है, बुरी है, जैसे ये पहले थी, और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। और ये फिर बता रही होती कि तुम्हें ये बेचना है कि नहीं बेचना है, ये फिर बता रही
होती है कि तुम अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दोगी तो फिर सही रहेगा। मैं भी देख रहा था कि भाई किस चीज की बेचने की बात हो रही है, भाई उस चीज की बेचने की बात नहीं हो रही है, एमसीबी उस चीज के बारे में सोच रहा है। और ये इसे बता रही होती है कि तुम्हारा घर जो है बहुत ज्यादा ही पुराना हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट $170,000 का चला जाएगा। और अगर कोई जो है नया घर खरीदता है तो वो 3 लाख का होता है, तो ऑलरेडी मैं जो हूँ तुम्हें ज्यादा पैसे दे रही हूँ। मैं सिर्फ सोच रहा होता कि ये जो है बहुत ज्यादा ही बुरी है, ये जो है इसे जो प्राइस दे रही है वो बहुत ज्यादा कम है, मार्केट के अंदर 3 लाख से ऊपर जा सकता है। मैं सिर्फ आ जाता है फिर बता रहा था, अच्छा तुम बहुत ज्यादा अच्छे बिजनेस कर रही हो, तुम चाहती हो कि ये जो है तुम्हें 1.5 लाख का अपना घर दे दे, और तुम जो फिर उसे 3 लाख से ऊपर का बेच दोगी जिसमें तुम्हें ऑलमोस्ट 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये तुम जो सब अपने लिए कर रही हो, ना कि इस लड़की के लिए। और ये फिर बता रही थी कि मैं जो यहाँ पर चैरिटी नहीं कर रही हूँ, ये वैसे भी घर को सेल कर रही है तो मैं इससे घर ले रही हूँ। और ये लड़की भी शौक हो जाती इसे देखी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहां से आ जाता है फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और तुम्हें जो ऐसी चीजें करनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ फिर क्या हो सकता है अगर तुम बुरी चीजें करोगी। तो इस लड़की को बता रहे होते कि तुम्हारे फ्रेंड जो है इतने ज्यादा बुरे इशू के अंदर आ चुके हैं, लेकिन तब भी तुम उससे फायदा उठा रही हो, तुम जो है कॉलेज के अंदर भी इसी तरह थी। और एमसी को बता रही होती तो क्या हुआ, मैं जो इसे 1.5 लाख दे रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा है। और फिर इसको बता रहे होते कि भाई तुम स्टूपिड हो चुकी हो, तुम जो अपना घर बेचना चाहती हो, तुम्हारी मदर जो है फिर कहाँ पर रहेगी अगर वो जो है ठीक हो जाती है, तुम्हें जो है फिर रेंट करना पड़ेगा कोई रूम को। ये फिर बता रही थी कि मुझे पता है, लेकिन एमसी फिर बता रहा होता है कि भले तुम जो है अपना घर भी बेच दोगी, ये जो काफी नहीं रहेंगे ऑपरेशन के लिए, जो कि मैं सही बोल रहा हूँ, फिर तुम्हें और पैसे कहाँ से मिलेंगे, तुम फिर क्या बेचने वाली हो उसके बाद। फिर बता रहे थे कि ये जो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है तुम्हारे कहने के लिए, या तुम जो इसको पैसे दोगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एमसी इसे गुस्से से देख रहा होता है, ये फिर बता रहे थे कि मुझे क्यों इस तरीके से देख रहे हो, मुझे जो है टच भी मत करना। और ये लड़की भी एमसी को जो है शांत कराने का ट्राई कर रही होती है। और ये फिर बता रहे थे कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगी, वेट करूंगी तुम दोनों के लिए अगर सच में तुम्हारे पास पैसे है। एमसी फिर बता रहे थे कि क्या मतलब तुम्हारा, कॉलेज के अंदर तुम जो मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूम रही थी एक बैग को खरीदने के लिए, अब तुम बता रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं हो, तुम्हारे पास है। एमसी पैसे निकाल देते हैं, फिर बता रहे थे कि आप देखना मेरे पास पैसे है कि नहीं, और डायरेक्ट फेंक देता है पैसे यहाँ पर। और फिर बता रहे थे कि तुम्हें जो ये पैसे कहाँ से मिले हैं। एमसी फिर बता रहा होता है कि ये जो कुछ ही हजार तो है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, और मैं जो तुम्हारी मदर की सर्जरी के भी पैसे दूंगा, तुम्हें जो ये घर बेचना नहीं चाहिए। और ये एमसी को बता रही होती है कि तुम जो हो ये क्या कर रहे हो, एमसी बता रहे होते कि क्या मतलब तुम्हारा, और डायरेक्ट जो है इसके बुबास के अंदर वो पैसे रख देता है। फिर बता रहे होते कि ये पैसे तुम्हारे लिए है, और फिर बता रहे होते कि यहाँ से तुम चली जाओ। और ये एमसी को बता रही थी कि बस तुम वेट करना, मैं जो तुम जैसे पुअर नहीं हूँ, मेरे पास भी जो है पैसे है, और तुम जो ये कर रहे हो कि तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे, चलो देखते हैं। एमसी इसे बैंक कार्ड भी दे देता है, साथ में पैसे भी दे देता है, बता रहा होता है कि इसमें जो है काफी ज्यादा पैसे है, और तुम्हें जो है पासवर्ड बैंक में मिल जाएगा, और ये जो है काफी रहेंगे तुम्हारी मदर के ऑपरेशन के लिए, और तुम्हें जो है इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये फिर बता रही थी कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन थैंक यू। एमसी बता रहे होते कि नहीं तुम्हें जो है रात को देना पड़ेगा, वैसे ये नहीं बोल रहा होता लेकिन बता रहा हूं मैं। अच्छा फिर बता रहे होते कि नहीं तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जो है सर्जरी करनी चाहिए, मुझे जो है जाना है। एमसी बताते कि तुम्हें जो अपने मदर के पास रहना चाहिए सर्जरी के लिए। एमसी मैं सोच रहा था कि मैंने थोड़े से पैसे बना दिए, लेकिन वो भी मैंने उड़ा दिए अभी, और लगता है कि मुझे वापस से अपने और बिजनेस में आना पड़ेगा। और जो ये चीजें देख रहा होता है फिर बता रहा था कि ये इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन अचानक से इसे एक चीज मिल जाती है। एमसी बता रहा था कि बॉस ये कितने का है, और एमसी को बता रहा था कि तुम्हारी आंखें अच्छी है, और ये भी इसको जो है स्टोरी सुना रहा होता है। और ये एमसी को बता रहे थे कि कैसा रहेगा, तुम इसे 4 लाख के अंदर ले लो। एमसी बता रहे थे कि 4 लाख का नहीं, मैं तुम्हें जो हूँ 3 लाख दूंगा, अगर बेचना है तो बेच दो। और ये फिर बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा चीप है, लेकिन फिर भी एमसी जो है इसे ये आइटम ले लेता है। और यहाँ पर ये बंदा आ जाता है, फिर बता रहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा फूल है, ये आइटम जो है वो 20 युआन का था, और इसने जो है तुम्हें 3 लाख युआन दे दिए, क्या इसे सच में लगता है कि ये एक ट्रेजर है जो कि इसने ले लिया है। और इसी के साथ 30 मिनट बाद जो है एमसी वापस से यहीं पर ही आ जाते हैं इसे बेचने के लिए, और ये लड़की जो इसे 1 मिलियन येन दे देती है इसके बदले में। और ये लोग सुन के ही शौक हो जाते हैं कि क्या। एमसी फिर बता रहा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ये ट्रेजर मिल जाएगा जो कि रैंडम जगह से था, मुझे फ्यूचर में और आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अचानक से जो है कोई बंदा आ जाता है। एमसी नीचे गिर जाता है, फिर बता रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और यहाँ पर जो किसी की फाइट चल रही होती है, एक बंदा जो 3 लाख बता रहा होता है, और यहाँ पर जो फाइट चल रही होती है इन दोनों के बीच में, एक बता रहा होता है कि मैं जो लास्ट टाइम बता रहा हूँ मैं 300 का लूंगा, दूसरा बता रहा होता है कि नहीं 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, वरना भाई नहीं ले। एमसी फिर बता रहा था कि क्या पेंटिंग चल रही है। एमसी आ जाता है, फिर बता रहा था कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ, और इस पेंटिंग को ओपन करके देखने लग जाता है, और फिर बता रहे थे कि तुम्हारी पेंटिंग जो है 50,000 की, मैं जो हूँ लेना चाहूंगा, ये फिर बता रहे थे। अच्छा, और इसी के साथ एमसी जो ये पेंटिंग इससे ले लेता है, क्योंकि ये आंटी जो है एमसी ये पेंटिंग इससे ले लेता है क्योंकि इसे जो पैसे चाहिए होते अपने हस्बैंड के लिए। एमसी इसे ले लेता है कि ठीक है 50,000, और ये भी बता रहे थे कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। एमसी बता रहे थे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भी बुला लेता हूँ जाने के लिए। एमसी भी सोच रहा था कि मैं जो हूँ अपनी पूरी लाइफ अर्न की था, लेकिन मैं सोच नहीं सकता हूँ कि कोई मुझे थैंक करेगा, और मुझे जो इस दफा कोई अच्छा आइटम मिल चुका है। और ये जो है एंटिक सिटी पर वापस से आ जाता है, और सारे लोग इसके मजाक उड़ा रहे होते, और सारे लोग मजाक उड़ा रहे होते एमसी का कि ये वही जो है फूल है जिसने जो 50,000 का, और यहाँ पर कभी डॉलर्स बोल रहे होते हैं कभी येन बोल रहे होते हैं, लेकिन भाई समझो कि बहुत पैसा है इसमें, 50,000 का वो चीज ले
डेली पेंटिंग और सारे बता रहे थे हाँ मेरे पास भी पेंटिंग है क्या तुम्हें चाहिए तो हमें बता दो। ओएम सीधे है यहाँ पर आ जाता है बेचने के लिए इसे। ओएम सीधे है यहाँ पर आ जाता है और ये बंदा बता रहा होता है इसको कि रुक जाओ, और फिर बता रहे थे कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा पुराना हूँ इस बिजनेस के अंदर, मैं जो हूँ प्रो हूँ इसमें, और तुमने जो पेंटिंग ले ली है वो जो है 500 युआन की भी नहीं है, जो कि 500 येन की भी नहीं है। भाई येन और युआन कभी कभार मिक्स हो जाते हैं, कभी डॉलर्स भी आ जाते हैं, तो समस्या बह रही है। अच्छा फिर बता रहे थे कि कैसा रहेगा हम जो है बेट लगा लेते हैं इस पेंटिंग पे कि ये कितने की है और तुम्हें जो है तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और हमसे बता रहे थे अगर ये जो है महंगी नहीं बिकती है तो मैं तुम्हें 7 लाख दे दूंगा, कैसा रहेगा ये। और ये फिर बता रहे थे कि चलो मैं जो हूँ बेट तुम्हारे साथ लगा लेता हूँ, मेरे को डर नहीं लगता है। यहाँ पर जो है बंदा ये चेक कर रहा था इस पेंटिंग को, सारे लोग एमसी को बातें सुना रहे होते कि ये पेंटिंग जो है फेक है, बातें कर रहे होते हैं। और ये फिर देख लेता बता रहा था अंकल के भाई ये पेंटिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये जो है 200 की बिकेगी और ये जो है फेक है। और ये एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एमसी जो है यहाँ पर रो रहा होता है लेकिन मेरे को पता है कि एमसी असली रोने का मकसद बुबास को टच करना है। और ये फिर बता रहा होता है कि अब कैसा रहेगा मुझे जो है पैसे देना। और ऐसे बता रहे थे कि मैं बिलीव नहीं करता कि ये जो है फेक है, इसे जो है ओपन कर लेता है। और ऐसे फिर चेक कर रहा होता है, फिर बता रहे थे कि यहाँ पर दो सर्कल है, एक जो 1340 साल पुराना होता है और दूसरा जो है शायद से 65 साल हो। एमसी जो है फिर वापस इसे ओपन करता है। ये एमसी को बता रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो मुझे ये वापस दे दो, मुझे पैसे भी दे दो। एमसी बता रहे थे कि रुको जरा मैंने इसे पढ़ा नहीं है। एमसी फिर बता रहे थे कि रुक जाओ इसके अंदर जो है पेंटिंग के अंदर कुछ चीज रॉन्ग है। ये फिर बता रहे थे कि आर्ग्यू मत करो पेंटिंग इसे ले रहा होता है। एमसी इस लड़की को बता रहे थे कि तुम साइड बजाओ तुम्हें चोट लग जाएगी, फिर भी बुबास को टच कर रहा होता है और यहाँ पर इनकी फाइट हो रही होती है। और ये जो है आ जाती है और रख के एमसी को मार देती है और ये पेंटिंग बीच से टूट जाती है। लेकिन अचानक से इस पेंटिंग से कोई चीज निकलती है जो कि नीचे गिर जाती है, ये देख लेते हैं। एमसी बेचारा जो है उसके एमसी नीचे गिर चुका होता है फिर उठ जाता है, फिर एमसी जो है नीचे गिर चुका होता है उठ जाता है और फिर बता रहा था कि स्नो मेरा मतलब ये नहीं था तुम्हारे बुबास को टच करने का, लेकिन वो जो गुस्से में होती है। ये फिर बता रहा था कि ये जो है बहुत ज्यादा रेयर चीज है और फिर बता रहा था कि ये जो पेंटिंग के अंदर पेंटिंग थी और ये जो है मास्टर पीस कहलाया जाता है, ये काफी ज्यादा महंगी होती है। अभी भी उस लड़की ने अपने वाटरमेलन पकड़े होते हैं, दर्द हो रहा है बेचारी को। एमसी बता रहा था अच्छा ये जो है सच में महंगा है और एमसी आ जाता है इससे जो है माफी मांगने के लिए। और ये जो एमसी को बता रहा था कि कैसा रहेगा ये 5 मिलियन का हो सकता है। एमसी सोच रहे थे कि क्या 5 मिलियन, और सोच रहे होते भाई मैं तो अमीर हो चुका। फिर बता रहे थे कि डील। एमसी इसे बता रहे थे कि हाँ ये भूलना मत कि तुम्हें भी मुझे पैसे देना है। ये फिर बता रहा था कि ठीक है। एमसी फिर बता रहा था कि देखो मैंने जो है 5 मिलियन कमा लिए लेकिन तुम्हें जो है मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। और इसके साथ ये जो है एक दूसरी जगह पे आ जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो एमसी को देख रहे होते। एक लड़की आ जाती है कि सर तुम्हें जो है घर खरीदना है और तुम जो हो ये घर देख सकते हो और ये जो है ऑफर है तुम घर चेक कर सकते हो। लेकिन जैसे ये एमसी के कपड़ों को देख लेती कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा गरीब लग रहा है और ये फिर बता देती कि हमारे पास मोस्ट फेमस विलाज है इस पूरे सिटी के अंदर और जितने चीप भी है वो भी 4-5 मिलियन के है और उसके लिए भी तुम्हें पूरे पैसे देने पड़ेंगे। एमसी फिर बता रहा था कि चलो मैंने सोचा नहीं है मुझे जो है खरीदना नहीं है और यहाँ से जा रहा होता है। और ये फिर बता रहे थे कि देखो ये जो गरीब सारा ये यहाँ पर आ चुके हैं मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। एमसी डायरेक्ट रुक जाता है, फिर बता रहा था कि क्या कहा तूने। और ये फिर बता रही थी कि मैंने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे और प्रेटेंड कर रहे थे कि तुम रिच हो। और फिर एमसी बता रहे थे कि क्या होगा अगर मेरे पास पैसे हुए तो। और यहाँ पर जो एक लड़की सो रही होती है, एमसी डायरेक्ट आ जाता है, फिर बता रहे थे कि जल्दी करो कार्ड को स्वाइप करो मुझे जो घर लेना है। और ये फिर बता रहे थे कि ये लड़का जो है ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसके पास कैसे पैसे हो सकते हैं, चलो देखते हूँ कि इसके पास कितने पैसे हैं। एमसी यहाँ पर बता देते कि हाँ कितने पैसे जरा चेक करना। और ये जब लड़की चेक कर लेती है तो यहाँ पर एमसी के पास 7.5 मिलियन होते हैं। और ये फिर बता रही होती है एमसी को कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एमसी से हटा रहा होता है कि भाई हट जाओ तुम यहाँ से। ये फिर बता रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। एमसी बता रहे थे कि नहीं छोड़ो जरा, तुम्हारे विलास जो यहाँ पर जितने भी है वो सारे एक्सपेंसिव है इसलिए मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम यही बोल रही थी ना। वैसे भी मैं जो यहाँ पर कुछ भी खरीदने नहीं वाला हूँ इस जगह पर जहाँ पर तुम लोगों को बुली करते हो। एमसी फिर बता रहे थे हाँ याद आया तुम बोल रही थी ना अगर मैं जो हूँ अफोर्ड कर सकता हूँ लेना इन चीजों को तो तुम क्या करने वाली थी। और ये फिर बता रही थी कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी एमसी बता रहा था कि चलो मैं जा रहा हूँ, और लोगों को जो है अटेंशन देना और लोगों को मेरे जैसे ट्रीट मत करना जैसे किया था तुमने। एमसी सोच रहा था कि मैं अच्छे मूड के अंदर नहीं हूँ कोई भी घर लेने के लिए। लेकिन अचानक से कोई दूसरी लड़की आ जाती है, एमसी को रोक रही होती है, फिर बता रही होती है कि तुम अभी जो है सेल ऑफिस से बाहर आए हो ना। एमसी बता रहे थे कि हाँ, और फिर बता रहे थे कि मुझे जो है रॉन्ग मत समझना लेकिन मैं जो हूँ विला को सेल नहीं करती हूँ बल्कि मैं रेंट पे देती हूँ, और जरा यहाँ पर देखना हमारे विला के प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा अच्छे हैं। एमसी सोच रहा होता है कि भाई ये लड़की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, भाई साहब पिघल गया। एमसी फिर बता रहे थे कि ये विला काफी ज्यादा अच्छा है, क्यों ना तुम मुझे लेकर चली जाओ। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है। और इसी के साथ ये जो है एक विला पर आ जाते हैं, एमसी भी देख रहा होता है कि काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ये लड़की जो है यहाँ पर आ जाती है वही वाली, और ये फिर बता रहे थे कि ये लड़का आ चुका है यहाँ पर विला खरीदने के लिए, क्या तुम लोग भी आ चुके हो। और ये फिर बता रहे थे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम जो है ये विला खरीद रहे या नहीं खरीद रहे, इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हमसे बता देते हैं कि ठीक है मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं जो हूँ रेंट करना चाहता हूँ इस विला को। और ये फिर लड़की बता रही होती है एमसी को कि क्या हो चुका है, मैंने पहली दफा सुना है कि कोई विला जो है रेंट पे होता है, क्या तुम यहाँ पर इस विला को रेंट करने आ चुके हो उस
लड़की को फंसाने के लिए। और ये एमसी को बातें सुना रही होती कि तुम जो ये विला नहीं खरीद सकते हो तो मैं जो हूँ खरीद लूंगी। इस लड़के को बता रहे थे कि खरीद रहे हो ना, क्या हो चुका है हस्बैंड जल्दी बताओ। और वो फिर बता देते कि भाई किसने बोला है कि मैं ये खरीद रहा हूँ। इसी के साथ ये जो है यहाँ से जाने लग जाते। ये लड़की भी शौक हो जाती कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम। एमसी फिर बता रहा था कि अच्छा मुझे लगा ये लड़का जो काफी ज्यादा अमीर होगा तुम्हारे साथ आ चुका है, लेकिन भाई ये तो कुछ भी नहीं था, ये तुमसे भाग चुका है। और इस लड़की को बता रहा था कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। ये लड़की भी एमसी को बता रही थी कि तुम रुको जरा, मैं जरूर तुमसे रिवेंज लूंगी। और एमसी भी बता रहा था कि तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारा पेंट जो है उतर चुका है। और भाई साहब सच में ही उतर चुका होता, क्या चल रहा है यहाँ पर। ये पेंट ऊपर कर लेती फिर बता रही होती है। फिर एमसी बता रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी बुरी नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर चीज है। और दूसरी लड़की बता रही थी कि चलो इसे छोड़ो अंदर चलते हैं। और एमसी जो है आ जाता है अंदर घर के और चेक कर रहा होता है और साइन भी कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट को। और ये जो एमसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फिर कर लेती, बता रही थी कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है और इसका बैकअप जो है टेबल पे पड़ा हुआ है। और एमसी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर फाइट हो रही होती इनकी के भाई एक लड़की उससे बता रही होती है कस्टमर को कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम यहाँ पर आ चुकी हो घर को रेंट करने के लिए। और ये फिर बता रही होती कि किसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा जो एटीट्यूड ऐसा है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि ये लोग ये वापस से वही कर रहे हैं कि इन्हें जो फर्क नहीं पड़ता है लोगों से, बस इन्हें पैसे चाहिए। और एमसी फिर इस लड़की को बता रहे होते कि यहीं पर ही रुक जाओ, तुम जो है वापस से क्या कर रहे हो। और ये लड़की एमसी को देखती है फिर बता रहे होते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये लड़की जो है फिर एमसी को डायरेक्ट हस्बैंड बोल रही होती है। और फिर आ जाती है बता रही होती कि हस्बैंड ये जो मुझे बुली कर रहे हैं। और एमसी बता रहे थे कि क्या चल रहा है, ये जो इसके ऊपर बैठ जाती है। एमसी बता रहे थे कि रुको जरा मैं जो हूँ कब तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, ये देख रहे होते कि चल क्या रहा है। और ये जो है एमसी को बता रही होती कि हस्बैंड ये जो है मुझे बुली कर रहे थे। और ये फिर बता रहे थे कि तुम सिर्फ देख रहे हो, ये जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर एमसी बता रहे थे कि लगता है तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मुझे नहीं पता है कि तुम हो को। और ये वापस से गले मिल लेती है और टाइट पकड़ लेती है। और फिर बता रही होती है एमसी को कि लिटिल फ्रैंक क्या तुम मुझे भूल चुके हो ग्रेजुएशन के बाद। एमसी को याद आ जाता है कि रुको जरा ये निकनेम जो है मुझे क्लास के प्रेसिडेंट ने दिया था जो कि स्कूल की ब्यूटी मानी जाती थी। और फिर एमसी जो है अपने स्कूल के दिन याद कर रहा होता है कि मुझे चोट लग चुकी थी और फिर क्लास की प्रेसिडेंट मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। और इसी के साथ ये जो है एमसी की मदर से बात कर रही होती है, आंटी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए मैं यहाँ पर हूँ। और एमसी को काफी ज्यादा चोट लगी होती है, लेकिन एमसी मूव जैसे ही करता है ये बता रही होती है कि तुम्हें मूव नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। एमसी फिर बता रहे थे कि ये वही थी जो कि मुझे चेस कर रही थी, मेरे पीछे लगी हुई थी। एमसी भी बता रहा होता है वॉशरूम से निकल के भाई तुम यहाँ पर करके आ रही हो, जल्दी करो यहाँ से उठ जाओ। एमसी फिर बता रहे थे कि उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एमसी का पैर वापस से टूट गया था। और ये जो है वापस से एमसी का ध्यान रख रही थी। एमसी बता रहे थे कि हाँ याद आ गया मेरे को सब कुछ। एमसी बता रहे थे कि क्लास प्रेसिडेंट ये सच में तुम हो। एमसी को बता रहे थे कि सच में तुम्हें अभी जो है मैं याद आ चुकी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए अपने वाइफ को, और तुम जो है पागल हो चुके हो, सारे लोग हंस रहे होते कि इसे देखो। और ये फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें जो है किस चीज से डर लग रहा है, तुम जो मेरे लिटिल फैंग हो वो क्या हो चुका है अगर मैं जो तुम्हारे साथ मैच करूंगी तो। और ये फिर सबको बता रही होती कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, अपना जो है काम करो। सारे फिर जाने लग जाते हैं। और ये फिर एमसी को सॉरी कर रही होती है और लोग बता रहे थे कि अच्छा ये जो इसकी वाइफ थी। और ये एमसी को बता रही होती कि मैंने सुना है कि तुमने जो है विला एक रेंट किया है, क्या तुम जो हो मुझे वो दिखा सकते हो। एमसी बताते कि हाँ। और रुको जरा मेरे को ये स्टोरी जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको पहले एक्सप्लेन किया है, मतलब सिमिलर स्टोरी को एक्सप्लेन किया इसको नहीं किया, अगर मैं गलत ना हो तो मुझे बताना जरूर। एमसी जो इसे लेकर आ जाता है विला पर और फिर बता रही होती कि तुम्हारी जगह जो है बहुत बड़ी है, तो मैं जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये जो है यहाँ पर पूल पे भी आ जाती है, देख रही होती है। और फिर डायरेक्ट बता रही होती कि हनी वेयर एमसी बता रहे थे क्या कर रही हो तुम। एमसी फिर बता रहा था कि कैसा रहेगा तुम नीचे आ जाओ हम जो बात करते हैं। ये लड़की बता रही होती कि नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। और फिर बता रही होती कि मैं जो हूँ अब से यहीं पर ही रहूंगी तुम्हारी वाइफ की तरह, और मैं जो हूँ केयर नहीं करती हूँ, मैं यहीं पर ही रहूंगी। एमसी फिर बता रहा था कि मैं जो हूँ अकेले यहीं पर ही हूँ, तो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा कि मैं जो हूँ लड़का यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। और ये लड़की फिर बता रही थी कि तुमने भी शादी नहीं की है, मैंने भी शादी नहीं की, इसमें गलत क्या है। एमसी बता रहे थे कि हाँ लेकिन फिर भी लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। एमसी फिर बता रहे थे कि कौन जो मिसअंडरस्टैंड करेगा, और जल्दी से मुझे जो है क्लियरली बता दो क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो इतने ज्यादा कि तुम नहीं चाहते हो। और यहाँ पर जो है एमसी वो दूसरी लड़की को भी याद कर रहा होता है। और फिर ये जो है रोने लग जाती, फिर बता रही होती है कि मेरे पास कोई घर भी नहीं है रहने के लिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और तुम भी मुझे डिसलाइक करते हो, मेरे पास कोई भी नहीं है, और तुम जो बहुत ज्यादा हार्टलेस हो। एमसी की धुलाई चल रही होती है यहाँ पर। एमसी फिर बता रहे थे कि ठीक है मैंने प्रॉमिस कर लिया तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। वो फिर बता रहे थे कि मैं डर रही थी कि तुम एग्री नहीं करोगे। एमसी फिर बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रूम है सेकंड फ्लोर पे, तो कोई भी रूम तुम ले सकती हो। और ये भी बता रही थी कि ठीक है। और फिर बता रही होती है कि मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है, मैं अपने साथ नहीं लेकर आ चुकी हूँ, क्या मैं जो हूँ तुम्हारे कपड़े ले सकती हूँ। और ये एमसी के पास आ जाती है, फिर बता रही थी कि हाँ याद है अचानक से तुम ऐसे कैसे रिच हो चुके हो, आजकल कर क्या रहे हो। एमसी बता रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और बस मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ और ग्रैंड व्यू पे जा रहा हूँ, शायद से वो उसके बारे में बता रहा है जहाँ पर एंटीक बिक रहे थे उस जगह के बारे में बोल रहा होता है। और ये फिर बता रहे थे कि रुको जरा क्या तुम जो हो वो रिवर्स वैली पे जा रहे हो। एमसी बता रहे थे कि नहीं नहीं। और ये एमसी को बता रहे थे कि हाँ मेरे पास एक एंटीक है, क्यों ना तुम उसे देख लो। एमसी बता रहे थे कि ठीक है। और ये जो कुछ करने लग जाती है, शर्ट उतारने लग जाती है। एमसी बता रहे थे कि भाई क्या कर रही हो तुम। और
ये जो है शर्ट एप्सी पर फेंक देती, फिर बता रही होती है कि मेरे पास जो है ये जेड बुद्धा ट्रेजर है और मैं जो हमेशा ये अपने सीक्रेट जगह पे पहनती हूँ और ये जो है कोई भी नहीं देख सकता है। ओएमसी जो है और ज्यादा पागल हो जाता है ये देखकर। ओएमसी जो है फिर इसे देख रहा होता है और अपना जो है स्वाप इससे अपनी आंख एक्टिवेट कर लेता है इस पर। ओएमसी सोच रहा होता है कि रुको जरा, क्या मेरा जो हेलुसिनेशन हो रहा है इसे देखकर। ये लड़की फिर बता रही थी कि क्या देख रहे हो तुम। ओएमसी बता रहा था कि कुछ नहीं है, वो हंस रही होती है। ओएमसी सोच रहा होता है कि मेरे को लग रहा है कि ये जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज होगी, लेकिन ये कितनी एक्सपेंसिव चीज है जो इजी नहीं है पता लगाना उसके बारे में। ओएमसी को बता रहे थे कि सच में ये जो है बिक सकती है ज्यादा पैसों से कि नहीं और कितनी बिकेगी ये। ओएमसी फिर बता रहा होता है कि तुम्हारा जो ये जेड है काफी ज्यादा महंगा बिक सकता है और काफी ज्यादा पैसों का भी बिक सकता है। ओएमसी बता रहा होता है कि चलो भाई ये सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ, ये एटमोसफेयर जो चेंज हो रहा है। और ये जो है ओएमसी पर बैठ जाती है, फिर बता रही थी कि अच्छा ये सच में एक इंटीग है, मुझे जो है पता नहीं था कि मेरा बाप जो है वो इतना ज्यादा कंजूस है, वो मुझे एक ट्रेजर दे देगा। ऐसे बता रहे थे कि तुम मेरे से क्या चाहती हो, और फिर जो है अपना बूबास डाल देती है और फिर बता रही होती है कि मुझे जो है इनकी चीजें नहीं चाहिए मेरे फादर की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर चीज जो हूँ अपने एबिलिटी से करूँ, ना कि अपने बाप की चीजों से। और फिर बता रही होती है कि तुम्हें जो इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है तो तुम मेरे लिए सेल कर देना, वरना मैं जो स्कैम भी हो सकती हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? क्या हो चुके अचानक से? एमसी मजे ले रहा है। और ये फिर एमसी को बता रही होती है कि क्या हुआ, आज तक कोई लड़की जो है तुम्हारे ऊपर नहीं बैठी है क्या, और क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, हम जो है बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। और एमसी इसे पकड़ने वाला होता है लेकिन कंट्रोल कर लेता है, बोल रहा है कंट्रोल उदय कंट्रोल। और एमसी फिर बता रहा होता है कि चलो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें जो है लंच के लिए जाना है, तुम्हें भी भूख लगी होगी, क्या तुम्हें जाना है मेरे साथ? और ये फिर बता देते कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए बाहर चली जाऊं? एमसी बता रहे थे कि हां। और अचानक से भाई साहब वाटरमेलन के वो टूट जाते हैं और सब कुछ सामान बाहर आ जाता है। एमसी भी बेचारा नीचे गिर जाता है देखकर। एमसी बाहर आ जाता है, फिर बता रहे थे कि भाई कौन सी घटिया जगह पे आ चुके हैं, यहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं है। और ये लड़की बता देते कि क्यों ना हम जो वॉक करके वहाँ पर चले जाएं। और यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और फिर एमसी को बता रहे थे कि अच्छा मिस्टर जैंग तुम यहाँ पर हो, और क्या तुमने जो है ये विला खरीद लिया है रेंट पे, और तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? और ये लड़की फिर बता रही थी कि तुम इससे जानते हो ये कौन है? एमसी बता रहे थे कि नहीं। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ याद आया, मैंने जो है खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये मेरा कार्ड है। और ये जो है प्रॉपर्टी सेल्स का मैनेजर होता है, फिर बता रहे थे कि मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर और मैंने तुम्हें ऑफिस के अंदर कल देख लिया था और लगता है कि तुम जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए हम जो है चलो फ्रेंड बन जाते हैं, एक दूसरे के काम आएंगे। एमसी फिर बता रहे थे कि अच्छा हम जो है वैसे भी डिनर करने के लिए जा रहे हैं, वो हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही, क्या तुम हमें जो है राइड दे सकते हो? ये लड़की बता रही होती है। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ हाँ भाई साहब बच्ची बैटरी इतने बड़े बटे वाटर मेलन है क्या बोले तो भाई। और ये जो है यहाँ से चले जाते हैं। और ये जो है फिर एमसी को बता रहे होते हैं कि सॉरी हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो है सुपर मार्ट है। और ये एमसी को बता रहे थे कि क्यों ना तुम जो गाड़ी खरीद लो, क्योंकि तुम जो हो यहाँ पर रह रहे हो तो तुम्हें गाड़ी की तो जरूरत पड़ेगी। एमसी भी सोच रहा था कि हाँ ये सही बता रहा है, अभी मेरे पास पैसे आ चुके तो मुझे गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। एमसी फिर बता रहे थे ठीक है मैं जो तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, प्लीज मुझे जो ऑडी का स्टोर पे लेकर चले जाओ, वहाँ पर मैं देखता हूँ। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है। और ये लड़की भी बता रही थी कि अच्छा तुम गाड़ी खरीद लोगे, मेरे लिए भी कोई हो जाएगा जो कि मुझे काम से उठाएगा। एमसी जो यहाँ पर गाड़ियों की बात कर रहा होता है, इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता और ये डायरेक्ट जो है एमसी के भाई अखरोट पकड़ लेती है और फिर बता रही होती है कि तुम जो हो मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या, जब मैं तुमसे बातें करती हूँ, और क्या तुम जो मुझे नहीं चाहते हो कि मुझे पिकअप करो काम से और ड्रॉप ऑफ करो? एमसी बता रहे थे कि मुझे जाने दो और फिर इसे जो है छोड़ देती है। और यहाँ पर ये जो है स्टोर पे आ जाते हैं और भाई ऑडी के स्टोर में लैम्बोर्गिनी क्या कर रही है, ये तो सेंस बना ही नहीं। और ये फिर एमसी को बता रही थी कि ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है और मेरा बाप भी जो है वो ड्राइव करता था ऑडी, तो तुम्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए। और यहाँ पर कोई जो है फिर देख लेते हैं, फिर बता रहे थे कि वहाँ पर देखो। और ये फिर दूसरी बता रहे थे कि ये कैसी है, एमसी बता रहे थे कि हाँ ये सिंपल है। और एमसी फिर बता रहे थे कि ठीक है तुम्हें पसंद आ चुकी है, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर बता रहे थे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, लेकिन सामने जो है एमसी एक बंदे को देख लेते हैं जिसे जानता होता है। एमसी बता रहे थे कि टाइगर ये जो है एमसी को भी पहचानता है। और ये लड़की फिर बता रही होती है एमसी को कि क्या तुम इसे जानते हो, वो दूसरा भी बता रहा होता है। एमसी फिर बता रहे थे कि हाँ ये जो है मेरे एलिमेंट्री स्कूल का क्लासमेट है। एमसी सोच रहा था कि साला मैं जो हूँ इससे कैसे मिल गया, बचपन में ये हमें बुली करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था। और ये बता रहे थे कि हाँ एमसी के बारे में कि मैं इसे जानता हूँ, इसे जो हूँ मैं बचपन में मारता था, ये मेरा सैंडबैग होता था। तुम यहाँ पर कैसे आ चुके हो, क्या यहाँ पर वॉशरूम यूज करने आए हो? एमसी बता रहे थे कि नहीं नहीं मैं जो उस गाड़ी को खरीदने आया हूँ। एमसी को बता रहे थे कि मैं तेरे को ऑफिशियल प्राइस तो बता दूंगा, लेकिन क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो, हम जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं करते हैं। और एमसी बता रहे थे कि नहीं नहीं देखो भाई मैंने जो ये गाड़ी देख ली है और तुम इसके जो है 4,10,000 बता रहे हो, लेकिन वहाँ पर जो है सर्चिंग में 3,90,000 आ रही है इस गाड़ी की प्राइस। और ये जो इसका फोन गिरा देता है, फिर बता रहा होता है कि अब क्या देखना है। और फिर एमसी बता रहे थे कि मेरा फोन
फोन और ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें जो है पहले ये करना चाहिए कि पता लगा लो कि तुम्हें क्या खरीदना है, बाद में जो है बातें करनी चाहिए मुझे। और ये एमसी को बता रहा होता है कि साला तुझे बहुत ज्यादा गरीब है, भले तुम जो थोड़े पैसे दे दो या ज्यादा पैसे दे दो क्या फर्क पड़ता है। और ये जो है फिर इस लड़की को फंसाने के लिए आ जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं और ये फिर बता रहे होते हैं कि क्या नोसेस कर रहे हो, मुझसे जो है बात भी मत करना। एमसी बता रहे थे कि कोई नहीं चलो चलते यहाँ से। और इसी के साथ आधे घंटे बाद एमसी यहाँ पर पैसे लेकर आ जाता है और एमसी से बता रहे थे कि किसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ पर देखो इसके अंदर जो पूरे 2 मिलियन है जो कि काफी ज्यादा पैसे है, मैं जो हूँ तुम्हारी गाड़ी खरीद सकता हूँ। और एमसी बता रहे थे कि आप क्या हो चुके भाई, कुछ बोल भी नहीं रहे हो तुम। और इसका जो है बटलर देख रहा होता है, बता रहे थे कि सच में ये रिच है। और ये जो फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए मुझे बता दो, मैं जो तुम्हें शो करा देता हूँ। एमसी बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा कार का, मुझे जो है कोई भी कार यहाँ से नहीं लेनी है। और एमसी जो है इस लड़की को बताते कि चलो चलते। और इसी के साथ ये जो एक दूसरी जगह पे आ जाता है और यहाँ पर जो है भाई साहब बच्ची ही बच्ची होती, वो फिर बता रहे थे कि सर तुम्हें गाड़ी खरीदनी है आ जाओ हम दिखाते हैं। और यहाँ पर जो है सुपर कार्स होती है, भाई साहब ऑडी R8 खड़ी है मेरी स्पेशल फेवरेट कार। और यहाँ पर जो है भाई साहब अपने लंबे लंबे पैर दिखा रहे हैं एमसी को पसारे के लिए। और ये जो है फिर इस गाड़ी की तारीफें कर रहे थे कि गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है और एमसी यहाँ पर गाड़ी पसंद आ जाती BMW की, फिर बता रहे थे हाँ ये गाड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी है, महंगी है लेकिन सही है। और ये जो है ले लेते हैं एमसी। और एमसी जो वापस से उस स्टोर के बाहर आ जाते, ये लड़की फिर बता रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, एमसी बता रहे थे कि तुम्हें पता चल जाएगा अभी। और एमसी इनके सामने ये गाड़ी भी दिखा लेते हैं, फिर बता रहे अच्छा तुमने गाड़ी खरीद ली है। और अपने बटलर को बता रहे थे कि तेरे को पता नहीं कि तुझे कस्टमर को गेस्ट को कैसे करोगे, जल्दी करो इसके सामने झुको। एमसी फिर बता रहे थे कि मैं जो इस गाड़ी को वॉश करना चाहता हूँ क्या तुम लोग कर सकते हो, ये गाड़ी जो है ब्रांड न्यू है। वो फिर बता रहे थे लेकिन ये जो नई गाड़ी है इसको क्या जरूरत है वॉश करने की। एमसी बता रहे थे कि क्यों डर रहे हो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जो हूँ पूरे $10,000 दूंगा हर एक बंदे को अगर तुम जो मुझे अच्छी वॉश देते हो तो। और ये जो है यहाँ पर इसकी गाड़ी को वॉश करने लग जाते हैं और इनकी जो है हालत खराब हो जाती है गाड़ी धोकर। एमसी बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं अपने अमीर फ्रेंड को बता दूंगा तुम्हारी जगह के बारे में, यहाँ पर आया करेंगे। और इसी के साथ ये जो घर पे आ जाते हैं, ये लड़की फिर बता रही होती है भाई साहब इसके कपड़े क्यों निकल रहे हैं, मुझे यहाँ पर सेंसर बार लगाना पड़ेगा। और फिर बता रही थी कि बस मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए। एमसी फिर सोच रहा था कि चलो भाई फाइनली घर भी मिल चुका है, गाड़ी भी मिल चुकी है, हर चीज सही हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर में मुझे जो है और ज्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे जो है अपनी एबिलिटी को अच्छा करना पड़ेगा ताकि मैं और ज्यादा एंटीक ले पाऊँ। और ये एमसी को बता रही थी कि हाँ मैं भूल चुकी हूँ, मुझे जो है कपड़े उठाने थे सूट कैसे, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उठाने में। एमसी आ जाते हैं फिर बता रहे थे कि कौन से उठाने, एमसी आ जाते हैं इसी कपड़े देने के लिए। ये फिर बता रही होती है कि मैंने जो कपड़े बोले थे लेकिन तुम सिर्फ मेरे लिए अंडरवेयर लेकर आ चुके हो। और फिर बता रहे थे कि छोड़ लो अपने कपड़े मुझे दे दो, बहुत ज्यादा कोल्ड लग रही है, एमसी दे देता है। और वो आ जाती है फिर बता रही होती है कि क्या हो चुका है, और भाई साहब एमसी की हालत खराब देखकर और यहाँ पर जो टपा टप्पी शुरू हो जाता है, समझा करो भाई ज्यादा नहीं दिखाएंगे बच्चों को। एमसी को कॉल आ जाती उठा लेता है और यहाँ पर जो है वो लड़की एमसी को कॉल कर लेती जिसकी एमसी ने हेल्प की थी उसकी मदर के ऑपरेशन का। एमसी फिर उससे बता रहे थे कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बता देती कि चलो मैं जो हूँ ऊपर जा रही हूँ, एमसी बता रहे थे कहाँ तुम जा सकती हो। अब वो लड़की जो एमसी को बता रही होती कि क्या ये बहुत ज्यादा लेट है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या। एमसी भी सोच रहा था कि हाँ भाई डिस्टर्ब कर लिया इसने मेरे को, फिर बता रहा था कि नहीं नहीं तुमने डिस्टर्ब नहीं किया है, ये कुछ भी नहीं है, मेरी जुबान से ऐसे ही निकल गया कि हाँ भाई डिस्टर्ब कर लिया तुमने। और वो फिर बता रही थी एमसी को कि क्यों ना कल हम मिल लेते हैं, मैं तुम्हें नोट देना चाहती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुम कहाँ पर रहते हो। एमसी बता रहे थे कि कल ठीक है, फिर एमसी बता रहे थे कि मुझे जो है किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम बस आंटी का ध्यान रखो, हम जो बाद में बात कर सकते हैं पैसों के बारे में। और ये लड़की फिर बता रही थी कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो लेकिन फिर भी ये 6 लाख तुमने दिए थे जो कि छोटी अमाउंट नहीं है, मैं फिर भी तुम्हें वापस दूंगी। एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैंने जो है इसी तरह कंटिन्यू किया रिफ्यूज करना तो इसको हर्ट हो सकता है कि मैं पैसे इससे नहीं ले सका हूं और ये बुरा मान लेगी। एमसी फिर बता रहे थे कि ठीक है मैं जो हूँ आ जाऊंगा आंटी को देखने के लिए कल सुबह ही, जब उसकी सर्जरी हो जाएगी कैसा रहेगा। और वो भी बता देते कि ठीक है मैं जो हूँ हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ कल, चलो मिलते हैं फिर। एमसी सोच रहा होता है कि इसकी मदर की अभी सर्जरी हो चुकी है, कैसे मुझे पैसे देगी। और वो डायरेक्ट जो है लड़की कुछ पहन देती है, भाई साहब उसने बनी गर्ल सूट पहन रखा होता है। और फिर बता रहे थे कि आ जाओ यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए, एमसी बता रहे थे कि आ रहा हूँ भाई, टपा रहा शुरू। और इसी के साथ सुबह हो जाती है, ये लड़की वेट कर रही होती है एमसी का। और इसी के साथ ये दूसरी भी लड़की यहाँ पर आ जाती है और ये फिर बता रही थी इसे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये फिर बता रहे थे कि ये हॉस्पिटल है, मैं जो हूँ हॉस्पिटल क्या नहीं आ सकती, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये फिर बता रही थी कि नहीं नहीं। और ये जो फिर किसी दूसरे लड़के को लेकर आ चुकी होती है और ये लड़का बता रहे थे कि ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है। और ये लड़का फिर गुड मॉर्निंग कर रहा होता है, अपना नाम बताता है, फिर बता रहे थे कि लगता है कि तुम जो हो लाइक नहीं करती हूँ बातें करना। और एमसी आ जाता है फिर बता रहे थे कि मैंने सुना है कि सुबह सुबह कुत्ता भौंक रहा है, कौन है जरा मुझे दिखाना जरा उसे। और ये फिर एमसी को बता रही थी कि तुम यहाँ पर वापस से आ चुके हो और तुम जो किसको कुत्ता बोल रहे हो। एमसी फिर बता रहे थे कि वही उसी को कुत्ता बोलो जो कि सुबह सुबह भौंक रहे होते हैं। और ये फिर एमसी को बता रही थी कि क्या हुआ तुम जो काम पे सुबह सुबह नहीं जा रहे तुम्हारे लंच बॉक्स के साथ, और तुम यहाँ पर कैसे आ चुके हो, या फिर तुम जो आ चुके हो इस लड़की को बचाने के लिए। फिर एमसी बता रहे थे कि काम पे जाने के लिए मैं भूल चुका हूँ और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कोई भी गाड़ी भी नहीं होती है, तो भाई इतना ईजी नहीं होता है काम पे जाने के लिए।
और ये फिर बता रही थी कि ये रिडिकुलस है, तुम्हारे पास विला है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है गाड़ी को अफोर्ड करने के लिए। मेरे हस्बैंड को देखो, इसके पास गाड़ी है, ये हैंडसम है, तारीफें कर रही होती है। और ये फिर बता रहे होते हैं कि तुम्हारा बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और ये डायरेक्ट जो है एमसी की गाड़ी पीछे देख लेती है, फिर बता रहे थे कि सच में ये तुम्हारी, और फिर बता रहे थे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। एमसी इसके पास आ जाता है, फिर बता रहे थे अपने लड़की को यहाँ से हटा दो। और इसी के साथ एमसी जो आ जाता है इसकी मदर से मिलने के लिए यहाँ पर, और फिर बता रहे थे कि अच्छा तुम हो जिसने जो है हमें पैसे दिए थे ताकि मेरा जो ऑपरेशन हो पाए। एमसी बता रहे थे कि हाँ तुम वेलकम हो, ये जो है मैंने ऐसे ही दे दिए थे। एमसी सोच रहे थे कि मुझे क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है कि एटमॉस्फेयर जो अच्छा नहीं है। एमसी फिर बता रहे थे कि आंटी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, चलो मैं बाहर चला जाता, तुम जो इसके साथ बात कर लेना और तुम्हें जो फ्रूट खा लेने चाहिए। और ये बता रहे थे कि तुम भी खा लो, तुमने जो काफी ज्यादा हमें फेवर किया है, चलो मैं तुम्हारे लिए जो हूँ एप्पल काट देती हूँ, चलो बात करते हैं। और ये जो है अपनी बेटी के बारे में बता रही होती कि ये काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और मैं जो हूँ तुम्हें ये छोड़ देती हूँ, समझ रहे हो। और ये फिर बता देती कि मैम क्या बातें कर रहे हो। एमसी भी बता रहा था कि एक्चुअली मैं और ये जो है बता रहे थे कि फ्रेंड है, और ये जो है इन दोनों को बता रही होती कि देखो मैं ऑलरेडी मरने वाली हूँ तो क्या पॉइंट हो जाएगा मुझसे बात छुपाना, मुझसे झूठ बोलना, और अगर एक दिन मैं मर जाती हूँ तो ये जो है किसके साथ रहेगी, किस पे जो है डिपेंड रहेगी। एमसी सोच रहा था कि ये जो है बहुत ज्यादा बुरी मूड के अंदर है, और फिर उठ जाते इसे जो है गले लगा लेते हैं, फिर बता रहे थे गाड़ी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम वैसे भी देख सकते हो तो हमें जो छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सच में इसे प्यार करता हूँ। और ये आंटी भी बता रही थी कि हाँ मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ तुम्हारे लिए। और ये फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम जा सकते हो काम के लिए, तुम बिजी हो, तुम्हें अपना बिजनेस डिले नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ एमसी यहाँ से चला जाता है, और उसने जो है एमसी को एप्पल काट के दिया होता है, उस पे हार्ट भी बना दिया होता है। एमसी सोच रहा था कि वापस से मैंने एक अच्छी चीज कर ली है और मुझे एक वाइफ भी मिल चुकी है जो कि बुरा नहीं है। एमसी सोच रहा था कि रुको जरा, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, मेरे साथ ये कांड हो चुका है। अचानक से एमसी को कॉल आ जाती है और वो लड़की कॉल कर लेती है ऑक्शन वाली, फिर बता रही होती है कि मेरा ग्रैंडफादर जो है वो चाहते हैं डिसाइपल को लेना, तो मैंने सोचा था कि तुम अच्छे फिट हो गया, अगर तुम इंटरेस्टेड हो आ सकते हो। फिर एमसी बता रहा था कि रुको जरा, तुम्हारा ग्रैंडफादर जो है वो मोस्ट फेमस ट्रेजर हंटर है, मैं जो इंटरेस्टेड हूँ, या फिर बता रहा होता कि मैं आ रहा हूँ। वैसे के साथ एमसी यहाँ पर आ जाता है, फिर बता रहा होता है और ये बुरी जगह नहीं है उस मास्टर के रहने के लिए। एमसी इस लड़की को देख लेता है यहाँ पर होती है, फिर बता रही होती है कि मेरा ग्रैंडफादर तुम्हारा वेट कर रहा है। उसी के साथ यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पुरानी पेंटिंग्स होती है, मतलब हजारों सालों वाली पुरानी, जो कि ऑलमोस्ट 10 बिलियन से भी ज्यादा की महंगी होगी। एमसी फिर बता रहा था कि सच में उसने ऐसी पेंटिंग इस जगह पे रखी हुई है इस तरीके से। और ये लड़की भी बता रही थी कि तुम क्या देख रहे हो, मैं जो है ये स्टेप देखने चाहिए, ये जो इतने ज्यादा महंगे नहीं है। एमसी सोच रहा था कि भाई क्या हाल है इसका कि ये महंगे नहीं है, ये महंगे है। और ये फिर बताती कि तुम काउच पे बैठ सकते हो, मेरा ग्रैंडफादर जो है आ जाएगा तुमसे बात करने के लिए, कोई भी चीज टच मत करना। एमसी जो है फिर टेबल यहाँ पर देखते हैं जो कि 1000 साल पुरानी होती है, फिर बता रहे थे कि सच में ये जो है वो हिस्ट्री की चीज है। फिर बैठ जाता है, फिर बता रहे थे कि हाँ ये चेयर भी बुरी नहीं, काफी ज्यादा अच्छी है। और उसके साथ उस लड़की का ग्रैंडफादर भी आ जाता है, एमसी को बता रहा था अच्छा तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम आ जाओगे। और एमसी भी जो है इससे मिलता है और फिर जो है इस लड़की को बता देता है कि तुम चले जाओ टी लाने के लिए। एमसी फिर बता रहे थे कि एल्डर मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम इंटरेस्टेड हो मुझे जो है डिसाइपल लेने में, और वो फिर बता रहे थे कि तुम जल्दी मत करो टी पी लो। एमसी सोच रहे थे कि भाई इसका मतलब क्या है, ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है डिसाइपल की तरह। और ये एमसी को बता रहा होता है ग्रैंडफादर के चलो मैं तुम्हें टेस्ट कर लेता हूँ कि तुम जो हो लायक हो कि नहीं मेरे डिसाइपल बनने के लिए। एमसी बता रहे थे अच्छा, और ये टी सेट जो है चेक करता है, पहला वाला चेक करता है, फिर बता रहे थे अच्छा तो ये प्रोडक्ट जो है रियल नहीं है। और ग्रैंडफादर जो है इस लड़की को भी बता रहे थे कि तुम भी देख लो कि मतलब ये कितने महंगे है या कितने पुराने हैं। और ये जो है फिर इसके बारे में बता रही होती कि ये जो काफी ज्यादा पुराने और पूरा चीजें बता रही होती डिटेल्स में। और फिर ये एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है। एमसी फिर बता रहा होता है कि मुझे जहां तक लगता है तो ये जो है नई चीजें है ना के मतलब पुरानी। और वो लड़की भी बता रही थी कि ये वापस से शुरू हो चुका है। एमसी फिर बता रहे थे कि ये जितने भी चीजें हैं अगर इसे देखा जाए ये पुराने जमाने जैसी लगती है, लेकिन इसके डिजाइन जो है वो मतलब आजकल के हैं। और ये जो है हंसने लग जाता है एमसी पर। एमसी सोच रहा था कि लगता है कि सब कुछ जो है और हो चुका है। और ये एमसी को बता रहे थे कि हाँ तुम में जो है टैलेंट है, तुम सही हो कि ये जो है मॉडर्न सेट है जो कि मैंने मंगवाया है। और ये लड़की भी शोक हो जाती है कि क्या एमसी भी बता रहा था क्या मतलब है। और ये एमसी को बता रहे थे कि ये टी सेट जो है एक तरह से बिल्कुल रियल वाले का एक कॉपी बनी हुई है। और ये एमसी को बता रहे थे कि चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। निकालते डायरेक्ट ये जगह चेंज होने लग जाती है। और एमसी बता रहे थे कि ये जो है मैंने मूवीज के अंदर इस तरीके की जगह देखी थी। और वो फिर बता रहे थे कि ये जो है मेरी मॉडिफाइड जगह है जहाँ पर मेरी चीजें पड़ी होती है। और यहाँ पर अगर अर्थक्वेक भी आ जाता है तो इस रूम के अंदर कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चीज नहीं हिलेगी। और यहाँ पर इस डोर के सामने आ जाता है और यहाँ पर जो है कोई टेक्निक यूज करता है। एमसी को बता रहे थे कि
हमें शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी होती है। और फिर ये बता रहे थे कि ये जो है मेरी कलेक्शन है जो कि मैंने बहुत ज्यादा सालों से जमा की है। और एमसी को बता रहे थे कि जरा देखना मुझे बता दो कि ये जो है कितने ज्यादा पुराने हैं। एमसी जो है इन सब के बारे में बता रहे थे कि भाई कितने कितने पुराने हैं। और एमसी और चीजों को भी बता रहे थे, या फिर बताते कि अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम देखने के साथ ही बता दोगे कि कितने ज्यादा पुराने हैं। लेकिन एमसी एक पेंटिंग देख लेता है, फिर बता रहा होता है कि ये पेंटिंग जो पुरानी है लेकिन ये फेक है। और ये फिर बता रहा था कि क्या किसी ने मुझे स्कैम करने की कोशिश की है। एमसी इसे और ज्यादा इसके बारे में बता रहा होता है कि मतलब कैसे फेक है और इसकी डिटेल्स बता रहा होता है। एमसी को बता रहा होता है कि हाँ जो भी तुम बोल रहे हो ये काफी ज्यादा अच्छे तुम बात कर रहे हो कि हाँ ये सच में फेक है, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। और ये फिर भी एमसी की बात नहीं मान रहा होता, फिर बता रहा होता है कि चलो एक जगह पे चलते हैं, वहां पर चेक कराते हैं इसे, वहां से पता चल जाएगा कि ये रियल है कि फेक है। एमसी बताते हैं कि ठीक है। एमसी भी सोच रहा था कि ये जो है मेरे पे अभी भी बिलीव नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि भाई ये किसके पास जा रहा है, वो पता चलेगा कि नहीं। और ये जो है इस पेंटिंग को यहाँ पर इस लड़की के पास लेकर आ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन भाई साहब वाटरमेलन। और ये लड़की जो है फिर भी बता देती है कि हाँ ये पेंटिंग जो है रियल नहीं है, और ये जो बता रही है कि ये जगह फेक है जिसके एमसी ने बताया था। और ये लड़की फिर बता रही थी कि लगता है कि ये जो है किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने इसको पेंट किया है। एमसी बता रहा था अच्छा ये हुआ था। और ये फिर हंसने लग जाते हैं, फिर बता रहे थे कि अच्छा अच्छा। और फिर बता रहे थे कि तुम लोग जो है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, तुम दोनों जो है साथ में मिलकर काम करोगे तुम लोग काफी ज्यादा आगे चले जाओगे। और ये फिर बता रहे थे कि मैंने जो है लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही मिस्टेक की। एमसी बता रहे थे कि रुक जाओ यहाँ पर जो है एक चीज नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें गलत है। और ये जो है डायरेक्ट गिर जाता है, फिर बता रहे थे कि ठीक है चले जाओ लेकर आ जाओ जो मैंने लाइफ के अंदर मिस्टेक की ये चीजें ली थी और जो गलत है। और काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होता है ये। एमसी भी जाने लग जाते हैं, फिर बता रहे थे कि ठीक है मैं जो हूँ लेकर आ रहा हूँ, तुम बस वेट करो मेरा। और एक तरह से एमसी को बता रही थी कि तुम स्टूपिड हो कि ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ग्रैंडपा बताते किसी मदरों को। और ये भी बता रहा होता है कि जल्दी करो मुझे जो है मेरे हार्ट के मेडिसिन पहले दे दो वरना ज्यादा लेट हो जाएगा। ये बताती कि ठीक है। एमसी काफी ज्यादा चीजें लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। और ये फिर बता रहा था कि मेडिसिन लेकर आओ, इसे और ज्यादा जो है अटैक आ रहा होता है। और एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये सब कुछ करके, फिर बता रहा था कि देखा मैंने तुम्हें जो है बता दिया कि तुम पूरी लाइफ कैसे गलत थे। और ये जो है रख के एमसी को मार रही होती है, फिर बताती कि तुम स्टूपिड हो। और फिर बता रही थी कि ग्रैंडपा तुम ठीक हो, तुम्हें मेडिसिन लेने चाहिए, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और ये जो है फिर बाद में उठ जाता है, फिर बता रहा था ग्रैंडपा कि अच्छा हुआ कि तुम जो हो मेरे साथ हो, अगर फ्यूचर में कोई किसी मास्टर को मैं ये आर्टिफैक्ट दिखाता उसे पता चल जाता कि ये फेक है तो भाई मेरी जो है रिप्यूटेशन खराब हो जाती। और एमसी फिर बता रहा था कि नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही इधर उधर देख रहा था, मुझे ये आइटम लग गए थे, मुझे पता था कि ये फेक है, तो भाई मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता कि ये फेक है। और एमसी को बता रहा था कि तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जो फिट हो मेरे अंदर स्टडी करने के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि क्या हो चुका है, मुझे एक दूसरा चांस दे दो। ये फिर बता रहा था कि ये बात नहीं है। और फिर जो है कुछ सोचता है, जो है फिर इसे बता रहा होता है अपनी ग्रैंड डॉटर को कि एमसी को जाने मत देना, मैं जो हूँ कुछ अरेंजमेंट करके वापस आ जाऊंगा। एमसी फिर बता रहे थे कि क्या हो चुका है एल्डर, मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट ना बनूं, क्या सीन चल रहा है। एमसी सोच रहा था कि लगता है कि एल्डर नहीं चाहता मुझे एक्सेप्ट करना स्टूडेंट की तरह। और ये फिर बता रही होती कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ग्रैंडपा जो उस टाइप का बंदा नहीं है जो कि किसी के खिलाफ गुस्से में रहता है या ग्रजेस रखता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो एक्सेप्ट करेगा डिसाइपल की तरह। और ये एमसी के पास कुछ ज्यादा ही आ जाती है। और फिर बता रही होती कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए और तुम्हें जो बिलीव करना चाहिए ग्रैंडपा पे, वो तुम्हारी अच्छी अरेंजमेंट करेगा। और इसी के साथ वो जो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन भाई इसने एमसी की कहाँ पर हाथ रखा है। और ये फिर एमसी को बता रहे थे कि साले तेरे को बोला था मैं तेरे को अपना डिसाइपल तो नहीं बनाने वाला, लेकिन तू करके आ रहा है यहाँ पर। एमसी यहाँ पर लगा होता है, एमसी बता रहे थे कि प्लीज मेरी बात सुनो, ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो इसे धर लेता है। फिर बता रहे थे कि मेरे साथ आओ, मुझे पता है कि तुम्हें जो है मेरी ग्रैंड डॉटर पसंद है, लेकिन एक दूसरे को तुम्हें देखना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। चलो हम बिजनेस पे आ जाते हैं, ये जो ऑक्शन इन्विटेशन है, क्यों ना तुम जो है मेरे साथ आ जाओ यूकी के अंदर। एमसी बता रहे थे कि ऑक्शन, ये फिर बता रहे थे कि हाँ वो काफी ज्यादा अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, ऑक्शन आइटम भी बेस्ट होते हैं वहाँ पर। एमसी बता रहे थे कि अच्छी जगह है। एमसी के साथ 3 दिनों बाद एमसी जो है ऑक्शन हाउस पे आ जाता है। भाई साहब अच्छी चेक करो बाची। ये फिर बता रही थी एमसी को भाई ग्रैंडपा जो है ऑलरेडी जा चुका है पहले ही, चल हम चलते हैं। और इसी के साथ एमसी जो है यहाँ पर आ जाता है और वो जो है लोगों से बात कर रहा होता है। एमसी भी जो है इसे देखकर सोच रहा होता है कि भाई ये जो ग्रैंडपा है कोई आम बंदा नहीं है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि भाई सीट ले लो भाई, यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो है ऑक्शन स्टार्ट होने वाली होती है और फिर जो है डायरेक्ट मेन शो जो है स्टार्ट हो जाता है, आइटम आ जाता है ऑक्शन का। भाई यहाँ पर हर बच्ची का वाटरमेलन इतने बड़े कैसे है। और यहाँ पर एक एंटीक होता है जिसकी प्राइस जो है बता रहे थे कि 3 लाख से स्टार्ट होगी। और एमसी जो अपनी आंख यूज करता है, फिर बता रहे थे कि चलो भाई एज देखते हैं, वो जो है रॉन्ग नहीं है क्योंकि ये जो है 320 साल पुराना होता है। और फिर ये ग्रैंडपा को देखता है और यहाँ पर ये बिडिंग भी स्टार्ट हो जाती है 3.5 लाख से भाई 4 लाख 4.5 लाख और जो है 4.5 लाख पे सोल्ड हो जाता है। फिर एक दूसरा आइटम आ जाता है, मास्टरपीस पेंटिंग होती है जो कि स्टार्टिंग प्राइस 7 लाख होती है और हर एक बार जो है बिडिंग में 1-1 लाख बढ़ेंगे, मतलब 1 लाख से बढ़ा सकते हो लेकिन नीचे नहीं कर सकते हो। फिर इसे बता रहे थे कि ये पेंटिंग जो कलेक्शन आइटम है क्या तुम्हें चाहिए। फिर सोच
रहा होता है कि क्या ये जो बाय नहीं करने वाला इस दफा, यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेजर है, चलो देखते हैं फिर। और एक दूसरी चीज जो आ जाती है फिर इसे वापस से देखता है, और ये फिर बता रहे थे कि हाँ हाँ ये चीज मेरे को चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब बिडिंग स्टार्ट हो जाती है 9 मिलियन 15 मिलियन पे चली जाती है, और यहाँ पर 20 मिलियन पे ये बेट लगा लेते हैं, और यहाँ पर 20 मिलियन 1 2 3 यहीं पर ही सोल्ड हो जाता है, और ये चीज जो है ये ले लेते हैं। भैया हमसे बता रहे थे कि तेरे को पता है कि मैंने जो है वो चीज ब्रॉन्ज की ट्राइपॉड किस लिए लिया इतने ज्यादा प्राइस पे, हमसे बता रहे थे कि जरा बताना मेरे को। ऐसी सोच रहे थे कि मेरे को जहां तक लगता है वो 10 मिलियन का होना चाहिए था, और ये फिर बता रहे होते हैं कि वो आइटम जो एक रॉ आइटम था जो कि मतलब पूरा बना भी नहीं था सही से। हमसे बता रहे थे कि तुम कैसे बता सकते हो, फिर बताता है ये कि तुम उसके स्पोर्ट्स देख सकते हो, और ये जो फ्यूचर में भी इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ने वाली है, ये ट्राइपॉड जो है 80 मिलियन पे भी जा सकते हैं। हमसे बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा, और ये हमसे बता रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें जो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है रिसर्च के बारे में, अगर ये जो है दूसरे जनरेशन का आइटम बता रहे होते मतलब कुछ सालों पहले का होता तो ये जो है और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता। हमसे बता रहे थे कि सच में ये इतना ज्यादा महंगा है। और यहाँ पर जो एमसी लास्ट ऑप्शन में बैठा होता है, यहाँ पर जो मेलन सीट खा रहा होता है, लोग भी बातें सुना रहे थे कि भाई कौन सा इडियट आ गया क्या कर रहा है, ये सारे बता रहे थे कि तुम देख नहीं सकते हो, ये जो है एल्डर भाई के साथ आ चुका है, और ये वही फेमस ओल्ड मैन है। हमसे बता रहे थे कि चलो भाई मैं नहीं खाने वाला हूँ, वो भी बता रहे थे एल्डर के भाई तुम्हें फेमिलियर हो जाना चाहिए एनवायरमेंट के साथ और रिलैक्स करो, और तुम जो है खाना जरा बंद कर दो, फाइनल आइटम आने वाला है। और यहाँ पर जो एक आइटम आ जाता है जो कि ये बता रहे थे कि स्टार्टिंग प्राइस जो 1,70,000 होगी डॉलर्स में। अगर तुम गरीब हो तो तुम ऑक्शन के अंदर नहीं आ सकते हो भाई। और ये जो है वापस से एक दूसरी स्टेट टाइप की चीज दिखाते हैं, फिर बता रहे थे कि ये क्या सीन हो रहा है, ये जो है कुछ ही साल पुराना लग रहा है और ये इतना ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, और ये सारे फिर बता रहे थे कि ये फाइनल आइटम जो है किसी भी काम का नहीं है। लेकिन एमसी यहाँ पर बेट लगा लेते हैं 1,80,000 की, और ये सारे हंस रहे होते फिर बता रहे थे कि ये देखो पागल हो चुका है, ये चीज ले रहा है। आज फिर बता रहे थे कि ओल्ड मैन मैंने जो है ये ले लिया है, और ये जो दूर हो जाते फिर एमसी को ग्रैंडपा बता रहे थे कि भाई तू है कौन, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, मतलब वो एम्बैरस होता है कि एमसी ने ये चीज ले ली जो कि कोई नहीं लेने वाला था। और ये एमसी को बता रहे थे कि ये चीज जो है सही कलर की भी नहीं है, जरूर जो है पुराना नहीं है, बेकार होगा। एमसी सोच रहा होता है कि क्या हो चुका है, मतलब ये एम्बैरसिंग था, मैंने क्या सच में जो है गलत रीड कर लिया था इस आइटम को, लेकिन नहीं मैं जो हूँ इसे देख रहा हूँ तो ये जरूर जो है 3,065 साल पुराना है। एमसी देख रहा होता है कि भाई ये कौन सी जो है डायनेस्टी से है, एमसी फिर बता रहे थे कि क्या हो चुका है, ये ऑक्शन जो है लोगों को चीजें सेल करने का है ना, तो मैं खरीदना चाह रहा हूँ तो क्या हो चुका है। और ये फिर बंदा बता रहे थे कि ठीक है बिडिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1,80,000 पे 1 2 मतलब शुरू हो जाता है। और ये एमसी को बता रहे थे कि कैसा रहेगा, चलो बेट लगा लेते हैं, और अगर ये चीज 50,000 से महंगी हुई तो मैं जो हूँ तुम्हारे पैर चाटूंगा, तुम जो हार जाते हो ये लड़की मेरे पैर चाटेगी। एमसी बता रहे थे कि ठीक है भाई। और यहाँ पर जो आ जाता है ये तो है वैसे भी जीत चुका होता है इसे, और इसे देख रहा होता है कि भाई जरूर कोई ना कोई लोग होगा इसके अंदर, और ये सारे फिर बता रहे थे कि क्या कर रहा है ये पागल हो चुका है। और ये एमसी को बता रहे थे कि ये फेक है, तुमने जो मिसअंडरस्टैंड कर लिया इसे। लेकिन तब भी एमसी अपनी आगे यूज कर रहे थे, इस पे क्लिक कर लेते कोई चीज निकल के आ जाती है। एमसी फिर बता रहे थे कि जरा इसे देखो, और ये जो नाइट पर्ल होता है सारे लोग शोक हो जाते हैं कि क्या, अब मुझे नहीं पता नाइट पर्ल होता क्या है। और ये फिर बता रहे थे कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ये जो नाइट पर्ल है उसका टेक्सचर भी काफी ज्यादा अच्छा है, और जो कि मीडियम क्वालिटी का है, और ये चीज हमारी कंट्री से नहीं है, किसी दूसरी डायनेस्टी से आ चुकी है यहाँ पर। और ये लड़का फिर बता रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे इसके अंदर हो सकता है। और ये फिर बता रहे थे कि लगता है कि मिस्टर भाई जो है ये लड़का लेकर आ चुका है जानबूझ के, इन्होंने ये चीज छुपा दी थी और ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं। और ये आ जाता है ग्रैंडफा के, बता रहा होता है कि भाई क्या बात कर रहा है तू, मैं एंटीक के बिजनेस में हूँ कई सालों से, डेकेड से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत से पहुंचा हूँ, मैं जो हूँ झूठ बोल रहा हूँ। और ये फिर बता रहे थे कि मैं तेरे को बताता हूँ कि ये चीज जो है पूरे 20 मिलियन की बिकेगी अगर कोई लेना चाहता है तो, तुम रेडी हो क्या चाटने के लिए। फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा, और ये लड़की इसे नीचे गिरा देती है, फिर बता रहे थे कि जल्दी करो सारे देख रहे हैं मेरे पैर चाटो भाई, मतलब ये एक पनिशमेंट हुई कि नहीं, ये एक तरीके से मतलब इस लड़के के लिए गिफ्ट हुआ, मुझे ये बताओ कोई। और ये जो चाटने लग जाता है, वरना मैं तेरे को बता रहा हूँ बेट लगाता हूँ मैं कि इस लड़की के पैर चाटने के लिए लोग करोड़ों देंगे, मेरे को पता है भाई, क्योंकि मैं देख चुका हूँ बहुत ज्यादा नमूनों को। वैसे अगर तेरे को मौका मिले तो तू क्या करेगा जरा मुझे कमेंट्स में बताना। चाट के यहाँ से जाने लग जाता है, सॉरी कर रहा होता है। और ये एमसी को देखती फिर बता रहे थे कि सच में तुम कुछ और ही हो, लेकिन वो सो रहा होता है। और यहाँ पर बता देते कि चलो लंच का टाइम हो चुका है, और फिर वापस एक ऑक्शन होगा रात के टाइम पे, और फिर बता रहे थे कि बाद में जो और भी आइटम्स आने वाले ऑक्शन के अंदर, फिर वो भी देख लेना। और इसके साथ एमसी यहाँ पर उठ जाता है, ये ग्रैंडपा बता रहे होते कि जल्दी करो उठ जाओ ऑक्शन जो है स्टार्ट होने वाला है। ये लड़की फिर बता रही होती कि थैंक यू आज का ऑक्शन अटेंड करने के लिए, और ये जो मतलब आखिरी ऑक्शन है, और सारे लोग जो पागल हो जाते हैं लड़की को देखकर। और ये जो है फिर प्रेजेंट कर लेती है एक पेंटिंग को, जिसकी वजह से सब लोग जो है पागल हो जाते हैं पेंटिंग को देखकर। यहाँ पर जो है 10 मिलियन से बेडिंग स्टार्ट हो जाती है, और 20 मिलियन लगा लेते हैं, और ये डायरेक्ट जो है 80 मिलियन बोल देता है। और ये पेंटिंग जो है मिस्टर भाई ले लेता है 80 मिलियन की। और फिर एक दूसरी स्टैचू दिखाई जाती है बुद्धा की, जो कि 2 मिलियन से बेडिंग स्टार्ट होती है। एमसी बता रहे थे कि क्या, एमसी अपनी आंखें यूज करता है जो कि 2003 साल पुरानी होती है। एमसी जो है सोच रहे थे स्टैचू के बारे में, और ये फिर ग्रैंडपा बता रहे थे कि क्या हो चुका है, हर चीज तो ठीक है ना। एमसी बता रहे थे कि हाँ हाँ, और फिर बता रहे
रहे थे अगर कोई जो बिटिंग नहीं लगा रहा तो भाई लगा लो एमसी 2 मिलियन लगा देता है। और सारे लोग फिर बता रहे थे कि वापस से जो है पागल हो चुका है, ये चीज क्यों ले रहा है जो कि कोई भी बाय नहीं करना चाहता है। और ये लड़की फिर बता रहे थे कि कोई और लेना चाह रहा है कि नहीं, इसने जो है 2 मिलियन लगाए और एमसी जो है ये ले लेता है। और यहाँ पर जो ग्रैंड पा बता रहे थे कि सही है तुमने 2 मिलियन का ले लिया, ये इतना ज्यादा महंगा नहीं है लेकिन 3 मिलियन का मार्केट में बिक जाएगा, एमसी बता रहे थे। थैंक अचानक से कोई लड़की आ जाती है एमसी को बता रही होती कि तुम्हारा नाइट जो है वो सेल पे है और फिर बता रही थी कि कल जो तुमने वो सेल में ले लिया था वो मुझे चाहिए। एमसी बता रहे थे कि जैसे मैंने सोचा था ये तुम हो। और फिर बताती कि कैसा रहेगा 10 मिलियन लगाऊं, एमसी बता रहे थे कि क्या 10 मिलियन। और एमसी जो बेचने वाला होता है दूसरी लड़की भी आ जाती, वो भी बता रही थी कि मैं जो हूँ ये बाय कर लूंगी इतने में और मैं जो हूँ इससे ज्यादा पैसे दूंगी। भाई क्या क्या दिख रहा है, एमसी बता रहा होता है अगर अच्छा तो तुम दोनों में से कौन जो है ये बाय करने वाला है। और ये लड़की बता रही थी कि चलो मैं बिड करती हूँ 15 मिलियन का। और ये फिर बता देती कि ठीक है मैं जो हूँ 18 मिलियन दे दूंगी और मैं सिर्फ तुम्हें जो पैसे नहीं दे रही हूँ लिटिल ब्रदर। और दूसरी लड़की 19 मिलियन लगा रही होती, फिर वो 20 मिलियन और एमसी जो है बुबास के बीच में फंसा होता है। और ये लड़की फिर बता रही थी कि मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है और मैं जो 21 मिलियन बेड पे लगा रही हूँ। और ये फिर बता रही थी कि 21.5 मिलियन मैं लगा रही हूँ। और ये फिर बता रही थी कि सिस्टर तुम मुझे जानती हो लेकिन तुम रॉन्ग हो कि मेरे पास अभी भी जो है 21.5 मिलियन पैसे बचे हुए हैं और वैसे भी ये जो 21 मिलियन है ये तुम्हारी पॉकेट मनी होगी आधे साल के लिए, अगर सही मैं बोल रही हूँ। ये फिर से एमसी को बुबास के अंदर पकड़ लेते हो, बेड लगा रहे होते हैं। फिर बता रही थी कि चलो मैं तुम्हें 22 मिलियन दे देती हूँ, मुझे सेल करो। और दूसरी बता रही थी कि नहीं मुझे जो है सेल करो, एमसी यहाँ पर मजे ले रहा होता है। और फिर बता देते कि क्यों ना हम जो है ये आपस में बांट देते हैं। एमसी बता रहे थे कि ठीक है तुम जो मुझे 10-10 मिलियन दे दो, मतलब ऑलमोस्ट 22 मिलियन टोटल में लाके और मैं तुम्हें ये दे दूंगा। और ये फिर बता देते कि ठीक है हमने जो तुम्हें पैसे दे दिए लेकिन सच में तुम्हें जो हमारे साथ नहीं कहना है, बुबास चेक करो भाई साहब। और ये दूसरी भी बता रही थी कि हैंडसम बॉय अपना फोन नंबर हमें दे दो, बाद में खेलेंगे। एमसी बता रहे थे भाई क्या कर रहे हो, नंबर मिल जाता है ये गाड़ी के अंदर होता है। और ये एमसी को बता रहे थे कि मैंने जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्टेक्ट कर दिया, वहां पर तुम जो पढ़ोगे एंटीक्स के बारे में और वैसे भी अब मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर को बता दिया, वो भी तुम्हारी हेल्प करेगी और इसलिए तुम्हें जो है अच्छा वहाँ पर सब कुछ करना चाहिए। एमसी भी बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं सब कुछ सीख के वापस आ जाऊंगा और मैं जो क्वालिफाई बन जाऊंगा तुम्हारे डिसाइबल बनने के लिए। और ये एमसी को बताते हैं ग्रैंडपा कि तुम्हें जो मेरी फैमिली के बारे में कैसा लगता है। एमसी जो है भाई साहब क्या इमेजिन कर रहा है, फिर बता रहे थे कि अच्छा लगता है। और ये जो है हंसने लग जाते हैं, फिर बता रहे थे कि तुम ग्रेट हो, वैसे भी तुम जो अभी अपने घर चले जाओ, वहाँ पर रेस्ट करो, कुछ टाइम लो। एमसी जो वापस से घर पे आ जाता है, फिर उसने बता दिया था ग्रैंडपा ने इसे कि अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो चले जाना और एक जगह ढूंढ लेना इस चीज को सेल करने के लिए। एमसी इसे वापस से देख रहा होता है, अचानक से उस स्टेचू से अंदर आवाज आ रही होती कि मैंने तेरे को बोला था कि इसे मत देखना लेकिन तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते हो। और ये लड़की भी यहाँ पर आ जाती, फिर बता रहे होते कि क्या हो चुका है तुम्हें। एमसी यहाँ पर जो है पहल दिया होता है किसी ने, मतलब ऐसे ही बेहोश हो चुका है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद एमसी उठ जाता है यहाँ पर और जैसे सामने देखते हैं एक रूम के अंदर आ चुका होता है ये। फिर बता रहे थे कि क्या मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ और इसके सामने एक सील होती है, फिर बता रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है रीड करने में क्या लिखा हुआ है। अचानक से अनाउंसमेंट हो जाती है कि जनरल जो है आ रहा है, प्लीज पास करने दो। एमसी डायरेक्ट देख लेता है जो कि एमसी जैसे ही दिखता है। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम कौन हो, वो फिर बता देते हैं कि भाई तुम वापस चले जाओ, तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हो, तुम्हारी अपनी डेस्टिनी है। और एमसी डायरेक्ट जो उठ जाते हैं, ये लड़की यहाँ पर होती, फिर बता रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, तुमने जो मुझे डरा दिया था, तुम बेहोश हो चुके थे। एमसी फिर बता रहे थे कि मेरे को पता है तुम घर के अंदर हो लेकिन क्या तुम थोड़े से कपड़े पहन सकती हो। और फिर बता रही होती कि क्या बातें कर रहे हो, मैं अचानक से आ चुकी थी, तुम्हें देख लिया था तुम नीचे थे। एमसी फिर सोच रहा होता कि वो जनरल जो है मेरे जैसा कैसे दिख रहा था और अभी जो है मेरे आंखों में दर्द भी नहीं हो रहा है, इसे मैं देख रहा हूँ और इस जेट के अंदर स्पेशल क्या है। और फिर इसे जो है वही ग्रैंडपा कॉल कर देता है और फिर बता रहा था एमसी को कि लगता है कि तुम जो रेस्ट नहीं कर पाओगे, मुझे एक मिस्टीरियस ऑक्शन से इनविटेशन आ चुका है, क्या तुम जो चले जाओगे मेरे लिए। एमसी बता रहे थे कि अच्छा, एमसी बता रहे थे कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं चला जाऊंगा। और फिर बता रहे थे कि ठीक है इनविटेशन मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा बाद में और जब तुम वहां पर चले जाओगे एक बंदे का नाम किंग हुआ है उसके एड्रेस पे चले जाना, वो सारे अरेंजमेंट तुम्हारी कर देगा। एमसी बताते ठीक है। फिर एमसी सोच रहे थे कि फाइनली एक मौका मिल चुका है और ज्यादा पैसे कमाने का, मुझे ये इनविटेशन मिल चुका है जहाँ पर मैं पैसे कमा सकता हूँ। और ये लड़की भी आ जाती है कि भाई मैं रेडी हूँ, भाई क्या चल रहा है इस कॉमिक के अंदर, भाई क्या क्या। और भाई टपाटप वापस से यहाँ पर शुरू। और इसी के साथ एमसी जो हेलीकॉप्टर में इस जगह पे आ जाता है और यहाँ पर इस बंदे से मिलता है, फिर बता रहे थे हम आ चुके तुम्हें पिकअप करने के लिए, बता रहे थे कि बॉस हम जो इसे लेकर आ चुके हैं। फिर बता रहे थे कि सच में मिस्टर जेंग तुम हो, मैं जो बहुत ज्यादा ग्लेड हूँ तुम यहाँ पर आ चुके हो। और ये फिर बता रहे थे कि मैंने सुना है कि तुम जो ग्रेटेस्ट ट्रेजर हंटर हो। फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम जो हमारी हेल्प करो, हमारी लाइफ जो है वो तुम्हारे हाथ के अंदर है। वहां से बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा। और एमसी को बता रहे थे कि हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में तुम मेरी लाइफ जो है बचाओगे कल के ऑक्शन के अंदर, क्योंकि वहां पर जो सब एक्सपर्ट आ चुके होंगे, हमसे कम्पीट कर रहे होंगे। और ये जो किसी चीज के बारे में आइटम्स के बारे में बता रहे थे कि वो जो हमारे बॉस के पास वापस लेकर जाने हैं, अगर नहीं लेकर जाएंगे तो हम जो मारे जाएंगे। और एमसी फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा बॉस का मेरा कोई भी लेना देना नहीं है तुम लोगों का, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। अचानक से एमसी को कुछ हो जाता है और ये फिर बताते कि तुम जो ये फेवर मेरे लिए करोगे। और यही पर एमसी बेहोश हो जाता है और फिर बता रहे थे कि ये मैटर जो है लाइफ एंड डेथ का है मेरे लिए। और अगले दिन हो जाता है और ये जो है एमसी को उठा रहा होता है, फिर बता रहे थे कि ये सही नहीं है और लगता है कि
वो मेडिसिन का इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ये बंदा फिर बता रहे थे अच्छा तुम जो किसी को लेकर आ चुके हो लेकिन ये बंदा क्यों अभी तक सो रहा है, और यहाँ तक तुम्हारी जो लाइफ है लाइन के अंदर है और ये जो है उठ नहीं रहा है। और ये सोच रहा था कि मिस्टर बाय ने जो है रिकमेंड किया इस बंदे को लेकिन सच में मैं मारा जाऊंगा इसकी वजह से, एमसी सो रहा होता है। और भाई साहब एमसी जो नोटी नोटी ड्रीम देख रहा होता है और यहाँ पर डायरेक्ट जो ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये बंदा बता रहा था कि चलो भाई सब लोग जो है शांत हो जाओ, और एमसी जो उठ जाता है आवाज सुनकर फिर बता रहे थे कि क्या चल रहा है। और एक जो है एंटीक आ जाता है और ये फिर बता रहे थे कि हमारा फर्स्ट जो है आइटम है इस ऑक्शन के अंदर, मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि तुम लोगों को जो है एंटीक के बारे में बताया, ये काफी ज्यादा पुराना है और इसकी स्टार्टिंग बिल्डिंग जो है 18 मिलियन की होगी। ये फिर बता रहे थे कि क्या 18 मिलियन, और ये बंदा बता देता है कि 20 मिलियन बेट लगा देता है। अचानक से एमसी ड्रीम देख रहा होता है इस चीज के बारे में और वो आवाज आ रही होती है जनरल की कि हाँ सच में ये ऑब्जेक्ट जो है पता नहीं कुछ बताते जो कि साइलेंट होता है। एमसी बता रहा होता है कि साला तुम हो कौन, मैं कहां पर हूं, और यहां पर अचानक से चल के आ रहा है, ये लोग जो मूव क्यों नहीं कर रहे। और वो जनरल फिर बता देता है कि भाई मैं तेरे को बता चुका हूं पहले कि मैं जो हूं तुम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। और अचानक से एमसी के अंदर और एनर्जी आ रही होती है और सारे लोग इसकी तारीफें कर रहे थे कि ये आइटम बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन एमसी की आंखें जो है अभी इसके आर पार भी देख सकती है। एमसी बता रहे थे कि ये जो फेक है सोच रहा होता है वैसे तो, और ये बंदा जो 37 मिलियन लगा लेता है और ये जो शौक हो जाता है। और फिर एमसी इसे बता रहे थे कि तुम्हें जो है बिल्डिंग इस पे नहीं करनी चाहिए, ये आइटम जो है फेक है। और ये एमसी को बता रहे थे कि सच में ये फेक है, तुम जोक तो नहीं कर रहे हो ना। एमसी बता रहा होता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तेरे को बता रहा हूँ तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, ये फेक है, पहले वाले आइटम को भूल जाओ। और ये फिर बता रहे थे कि ठीक है मैं तेरे पे बिलीव करता हूँ, अगर ये सच में जो है फेक है तो मैं गिव अप कर देता हूँ। और ये जो उस दूसरे बंदे को बता रहे थे कि ठीक है तुमने जो 37 मिलियन लगा दिए हैं, और यहाँ पर जो है ये सोल्ड हो जाता है उसको। और ये जो उसको मतलब गुस्सा दिला रहा होता है एमसी के साथ जो बंदा होता है कि देख लो मुझे ये आइटम मिल चुका है, तुमसे जो है मैंने छीन लिया है। और एमसी फिर फंसा रहा होता है कि भाई ये जो है बहुत ज्यादा फनी है। और यहाँ पर भाई कुछ कांड हो जाता है जो कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं भी एमसी ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो है फेक है एक तरीके से और तुम्हें ऑक्शन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। ये फिर बता रहा होता है कि अच्छा, और डायरेक्ट ये गन निकाल देता है। फिर बता रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, या तो तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए आज कि ये फेक है कि कैसा फेक है, वरना तुम लोग जो यहाँ से जा नहीं पाओगे। और वैसे भी तुम बता रहे हो कि ये फेक है तो तुम्हें जो है एक लाइफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और फिर बताते हैं अगर ये सच में फेक है तो मैं तुम्हें 37 मिलियन दे दूंगा, लेकिन तुम हार जाते हो तो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं जो हूँ तुम्हारा हार्ट काट दूंगा यहीं पर ही। एमसी बता रहे थे कि ठीक है। और ये फिर बंदा बता रहे थे ऑक्शन वाले के ठीक है तुम दोनों ने जो है एग्री कर लिया है तो गने नीचे रख दो, और वैसे भी मैं जो हूँ जज हूँ थर्ड पार्टी हूँ तो मैं जो हूँ देखूंगा कि भाई कौन फेयर है और ये रियल है या फेक है। और ये फिर बता देते हैं कि हाँ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये फेक हुआ या रियल हुआ चीजें चेंज नहीं होने वाली है और तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए तुम दोनों जो हो किसके एरिया के अंदर हो। और ये भी बता रहे थे कि हाँ सॉरी, और सच में तुम जो हो खुद आ चुके हो, ये शायद से बहुत बड़ा भाई हेड होगा यहाँ पर। और सारे बता रहे थे कि जल्दी करो बाहर निकलो यहाँ से। फिर बता रहे थे कि चलो फिर टेस्ट जो है स्टार्ट कर लेते हैं कि ये रियल है या फेक है। और ये बंदे जो है चेक कर रहे होते, फिर बता रहे होते एमसी को कि लेकिन सॉरी भाई ये जो है सच में रियल है। और ये हंस रहा होता है, फिर बता रहे थे कि तुमने सुना कि ये जो है किसकी साइड ले रहे हैं और ये जो है रियल है, क्या तुमने हार मान ली। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, इन्होंने जो है अभी तक डिफेक्ट देखा नहीं है इसके अंदर। वो फिर बता रहे थे कि क्यों ना तुम प्रूव करो। और ये भी बता रहे थे कि रुको जरा, मैंने जो है सेंड कर दिया है मैसेज रियल मास्टर को, वो आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, दूसरी लड़की आ जाती है, तीसरी लड़की आ जाती है, और लड़कियां है कि नहीं है। और ये जो है थ्री केट सिस्टर कहलाई जाती है। और ये फिर बता रहे थे कि देखो रियल मास्टर जो है यहाँ पर आ चुके हैं, और अगर ये यहाँ पर आ चुके तो हर चीज जो है इजी रहेगी। ये फिर बता रहे थे कि अच्छा ये अच्छे है क्या भाई, सब अच्छे है मास्टर्स है मुझे नहीं पता लेकिन भाई अच्छे है, समझ रहे हो। और ये आ जाते हैं भाई, इससे छाट रहे होते हैं क्या चल रहा है भाई। और ये भी देख रहे होते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं इसके साथ, क्या ये टेस्टी है क्या। और ये जो डायरेक्ट नीचे फेंक देती है और टूट जाता है। फिर बता रहे थे कि ये जो है फेक है। एमसी फिर बता रहे थे कि कैसा रहा, मैंने तेरे को बताया था कि ये प्रोडक्ट जो है वो फेक है। और ये एमसी के बारे में सोच रहा होता कि भाई मैं नहीं चाहता तू यहाँ से जिंदा निकले। और ये गन निकाल देता है। फिर सोच रहा होता एमसी के बारे में कि भाई मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, फायर कर देता है। और एमसी लेकिन फिर भी इसकी गोली देख लेता है, अवॉइड कर लेता है और डायरेक्ट इसे मारता है और इससे जो है इसकी गन गिरा देता है। और यहाँ पर लग जाता है भाई इसकी धुलाई करने में। और ये सारे शौक हो जाते हैं एमसी को, बता रहे थे कि भाई तू जिंदा है ना। ये उठा रहा था बॉस को और ये फिर बता रहे थे कि सॉरी गाइस, सब लोगों को बता रहे थे कि तुम लोग डर चुके हो, प्लीज तुम लोग वापस आ सकते हो, बैठ जाओ ऑक्शन जो है स्टार्ट होगा इसी तरीके से। और इसी के साथ एक दूसरा आइटम आ जाता है, एमसी देख लेता है। फिर बता रहे थे कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है सही है, और एमसी इसे बता देते कि ये जो है अच्छा है तो तुम ऑक्शन कर सकते हो, सो जाता है। और इसी के साथ ये जो 30 मिलियन में इसे जो है जीत जाता है। और एमसी जो है पूरे ही ऑक्शन हाउस में सोया हुआ था, मतलब आखिरी आइटम तक। एमसी फिर बता रहे थे कि लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला कि मेरे को इतनी ज्यादा नींद आ क्यों रही थी, और लगता है कि शायद से वो मेरी बॉडी से वो जनरल जो है निकल चुका था, वो बातचीत चल रही थी तो उसी का कोई साइड इफेक्ट होगा। और यहाँ पर जो फिर ऑक्शन खत्म हो जाता है, एमसी को बता रहे थे कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। एमसी बता रहे थे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, मुझे जो है ग्रैंडपा से ऑर्डर मिला था, वो मुझे ये चीजें करनी थी। और ये एमसी को जो है कमीशन इसका दे देता है जो कि 5 मिलियन होता है। फिर बता रहे थे कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। एमसी बता रहे थे कि अच्छा। फिर बता रहे थे कि चलो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। फिर एमसी जो एक दूसरे गेमलिंग साइड पे आ जाता है, जहाँ पर वो
पत्रों को खोल के देखते है ना कि जेड है कि नहीं है, ऐसे बता रहे थे चलो फिर चेक करते है कभी मेरा लक कैसा है। यहाँ पर एक बाछी दिखाई जाती है, वो बता रही होती कि तुम लोग जो हो भाई नए हो तो क्यों ना तुम लोग यहाँ पर आ जाओ देखने के लिए, भाई अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना मैं भीख मांग लूंगा और फिर चला जाऊंगा इससे चीज लेने के लिए, समझ रहे हो, मतलब इसके पैर चेक करो पैर। और फिर बता रहे होते कि मेरी चीजें जो है बहुत ज्यादा ही प्रेशियस है, वो तो मुझे भी पता है देख कर लग गया था वाटरमेलन भाई प्रेशियस है। और ये दिखा रही होती कि ये मेरा मॉल, ये फिर बता रहे थे कि ये मेरा माल है, वो वाला माल नहीं है लेकिन ये वाला माल है, समझ जा करो। आईएमसी जो है देख रहा होता है इसे, आईएमसी सोचता है कि अच्छा मैं देख नहीं सकता कि इसके अंदर कौन सी चीज है अच्छी चीज है कि नहीं है। और फिर बता रहे थे कि मिस्टर क्या हो चुका है, आईएमसी सोच रहा था कि चलो लगता है कि मेरा लक इस पे काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर इस पत्थर को काट देते हैं यंग, और ये फिर आईएमसी बता रहे थे कि वाह तुमने जो है इसे काट दिया है, भाई कहाँ पर बैठी हो मेरे ऊपर बैठ जाओ। और फिर बता रहे थे कि इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छा जेट है, कांग्रेचुलेशन तुमने ये जीत लिया है, काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे ये, आईएमसी बता रहे थे कि हाँ। लेकिन उसके बाद आईएमसी जितने भी पत्थर खोलते हैं वो सारे जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, आईएमसी का दिल टूट जाता है अंदर से। और सारे लोग भी इसके पीछे हंस रहे होते हैं कि भाई ऐसे देखो भाई, आईएमसी बता रहे थे कि बस इतना ही, आईएमसी बता रहे थे कि नहीं मैं हार नहीं मान सकता हूँ। और इसे जो है ये चेक दे देता है, फिर बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे जो कि काफी रहेंगे, मतलब समझ रहे हो कहाँ पर इसने ये पेपर रखा। आईएमसी जो वापस अपनी एबिलिटी यूज करता है और वो जनरल जो है आईएमसी को गालियां दे रहे होते हैं कि साले तू कर क्या रहा है, बस कर रुक जा तू, और तुम जो हो बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो कुछ भी उठा रहे हो, ऐसा काम करो वो छोटा सा पत्थर ही उठा दो सही रहेगा। आईएमसी जो एक को काट देता है और उसके अंदर जो एक दूसरा एमरल्ड निकल जाता है, ये सारे जो शौक हो जाते हैं, मतलब वो लड़की भी शौक हो जाती है कि मेरा माल नहीं वो मालम माल नहीं। और इसके अंदर जो एमरल्ड होता है ये भी इससे चिपक जाती है, फिर बता रहे थे कि हैंडसम क्या तुम मुझे ये बेच सकते हो। अचानक से कोई आ जाता है, फिर बता रहे थे कि इसे जाने दो, और जो है मैं देखना चाहता हूँ कि साला कौन जो है वो मेरी जगह ले रहा है, इतने ज्यादा जो है लोगों के सामने आ चुका है शो ऑफ करा रहा है। और ये जो इस लड़की को बता रहा होता है कि भाई तुम्हें जो हमें पैसे भी देने याद है ना, और इसे फिर बता रहे थे कि ये सिस्टर ये तुम्हारा हस्बैंड तो नहीं है। और ये फिर बता रहे थे कि जोक मत करो, ये जो है काफी ज्यादा बड़ा बंदा है जो कि ओनर है, जहाँ से हम जितने भी चीजें वो लेते हैं, तुम्हें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर हमसे बताते कि अच्छा ये जो यंग मास्टर है रू फैमिली का, फिर हमसे बता रहे थे कि भाई ये जो है मेरे स्टोन हो चुके हैं और तुम चाहते हो कि तुम मुझसे ये बाय करो, और या फिर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे ये आइटम चुराओ। और ये फिर बता रहे थे कि तेरे को क्या लगता है कि मेरे फैमिली के पास जो है ऐसी चीजें नहीं है, मुझे बस लगता है कि तुम जो बहुत ज्यादा लकी हो और इसलिए मैं जो हूँ तुम्हारे साथ गैम्बल करना चाहता हूँ, 1 मिलियन का बेट लगाएंगे। और हमसे बता रहे थे कि क्या होगा अगर मैं जो इंटरेस्टेड नहीं हूँ बेट लगाने में, जो है आ जाती है के बारे में बता रही होती है कि ये लड़का जो है इसने कुछ ही कहला है तो क्यों ना तुम इसे जाने दो। और ये जो है वैसे भी जा रहे हैं और ये जो है गुस्से में आ जाते हैं, फिर बता रहे थे कि साले तेरे को किसने बोला है बीच में बात करने के लिए। और भाई साहब ये जो शायद से कपड़े पहनने लग जाते क्या कर रहे हैं, हाँ भाई वही कांड कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पर जो है बहुत बड़ा बार लगाना पड़ेगा, ये फिर बता रहे थे कि मुझे जाने दो। और ये जो है इसके कपड़े पहनने लग जाते, फिर एमसी को बता रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, सिंपल गेम खेल लेते सिंपल रूल के साथ, अगर तुम्हें जो है एक दूसरा एमराल्ड मिल जाता है तो तुम्हें जो है मेरे 1 मिलियन मिल जाएंगे, अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो तुम्हें जो है हम एक अच्छा शो कराएंगे और जो कि मेरी तरफ से होगा। एमसी बता रहे थे कि रुक जाओ भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, और एमसी बता रहे थे कि ये बेट जो हम दोनों के बीच में लगी है, तुम जो और लोगों को क्यों इसके अंदर लेकर आ रहे हो। और ये जो है फिर उस बंदे को बता रहे थे कि जल्दी करो दरवाजा बंद कर दो। और ये फिर बता रहे थे कि क्या हो चुका है, ये लड़की जो है तुम्हारी कुछ भी नहीं है, और हाँ इसे जो है हमें पैसे भी देने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पैसे कलेक्ट करने के लिए। अगर तुम्हें जो है इस लड़की को बचाना है, एक हीरो जो है बनना है, तो इसलिए तुम्हें मिस्टेक नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, जल्दी करो एक एमराल्ड निकालो। आईएमसी जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है यहाँ पर आ जाता है देखने के लिए। आईएमसी सोच रहा होता है कि इसके पास जो है अभी हॉस्टेज आ चुका है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, इसे पंगा नहीं लेना चाहिए। आईएमसी जो एक स्टोन को ओपन करता है, फिर बता रहा होता है कि हाँ मुझे जो मिल चुका है। और ये जो है ये देखते हैं और ये फिर बताता है कि मैं जो जीत चुका हूँ तुम हार चुके हो, आईएमसी बता रहा होता है कि क्या। और ये जो इसे रख के मारता है और फिर बता रहा होता है कि मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, मुझे जो है एक ग्रीन वाला चाहिए, तुम समझ चुके हो कौन सा वाला, और तुम्हें जो गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो फिर बता रहे थे कि मुझे पता है तेरे अंदर टैलेंट है, तुम देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ बेटा हूँ और मैं जो आज तक किसी को नहीं देखा है जो कि इतना ज्यादा अच्छा होता है चीजें ढूंढने में, लेकिन तुम पहले बंदे हो जिससे जो है देखकर मुझे लगता है कि हाँ भाई तुम जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। और फिर बता रहे थे कि चलो मैंने ज्यादा बोरिंग चीजें बोल दी, कंटिन्यू करो। ये वापस से लड़की को पकड़ लेते, फिर बता रहे थे कि दूसरा शो भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और ये लड़की बता रही थी कि मुझे जाने दो, हमसे बता रहे थे कि रुक जाओ मैं जो तुम्हारे लिए एक दूसरा स्टोन ढूंढ लूंगा, इसे जो है जाने दो और इससे जो दूर रहो। ये फिर बता रहे थे कि लगता है कि अभी तक तुम समझे नहीं हो, मैं जो यहाँ का इंचार्ज हूँ और तुम वैसे भी यहाँ से जा नहीं सकते, तो जल्दी करो चीजें ढूंढो। आईएमसी अपनी एबिलिटी यूज करता है और इसे जो है वो जेड मिल जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है मुझे पता है ये यहाँ पर कांड कर रहा है और मैं बोल नहीं सकता है, लेकिन ये कौन सी चीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वायलेंटली हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इन कॉमिक्स में ये सीन हो जाते हैं। और ये अपने जो है सिगरेट लगा रहा होता है इसके पीछे मुझे लगा है, और वो बता देते कि रुक जाओ प्लीज मत करो, और वो जो है कांड कर देता है। मेरे को भाई बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्या सीन चल रहा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एमसी आ जाता है इसे रख के मारता है। और फिर बता रहा था कि साला तुम लोग जो खुद को ह्यूमन कैसे बोल सकते हो, इसे फिर मारता है। तुम्हारी हिम्मत किसी लड़की को बुली करने की, इतने ज्यादा अमीर हो, इसे भी मारता है और ये दूर जाके गिर जाता है। और फिर बता रहे थे कि
सॉरी सिस्टर, ये सारा मेरा फॉल्ट था, मैं जो हूँ पहले तुम्हारे लिए नहीं आया था तुम्हें बचाने के लिए। और ये फिर बता रही होती कि ये जो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है, मुझे इनको पैसे देने हैं, और मैं जो हूँ कैसे इन्हें पैसे दे सकती हूँ इस तरीके से। हमसे फिर बता रहे थे कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, मुझे जो है ये स्टोन मिल चुका है जो कि तुम्हारे स्टोर के अंदर था, तुम रख सकती हो, तुम जो है इन्हें पैसे दे देना। और ये भी बता रही थी कि थैंक यू वेरी मच हैंडसम गाय, तुम्हारा नाम क्या है। हमसे अपना नाम भी बता देता है। ये फिर बता रहे थे अपने जो है पिस्टल निकाल देता है। ये फिर बता रहे थे कि तुम मेरे से अच्छे नहीं हो, मतलब एक तरह से ये जेलस फील कर रहा था क्योंकि एमसी को ये स्टोन मिल रहे होते, इसको नहीं मिल रहे होते। और फिर बता रहे थे कि भाई गन नीचे रख दे, मिस्टेक मत कर, अगर तुमने जो है ट्रिगर कर लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो भाई तुम्हारे हेयर नहीं है। और एमसी बता रहे थे कि साला तू जो है मेरे से जेलस है, तो उसकी वजह से तुम किसी भी बंदे को चोट पहुंचा दोगे। ये फिर बता रहे थे कि अपना अबू बन रखो, तुम्हें जो है कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और अचानक से कोई बंदा आ जाता है, सब बता रहे थे कि रुक जाओ शायद इसका बाप है क्या। बस यहीं पर एपिसोड को एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहां तक देखने के लिए। वैसे इसके 17 चैप्टर थे, मुझे जो है आगे चाइनीज में ढूंढने पड़ेंगे, इंग्लिश में अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। 3000 लाइक्स और इसका जो है दूसरा पार्ट आ जाएगा। थैंक यू वीडियो यहां तक देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।